नमस्कार दोस्तों, मैच स्टार्ट होने से और 5 मिनट का वक्त बाकी है। जी हाँ, मैच स्टार्ट होने में और 5 मिनट का वक्त बाकी है और उसी 5 मिनट के दौरान आपको बता दें कि यहाँ पर टॉस जो है टॉस जीता है यहाँ पर आपको बता दें कि टॉस जो है यहाँ पर जीता है पार्थ सॉकर्स। ओमेन ने टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। जी हाँ, पार्थ सॉकर्स ने यहाँ पर टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है और पार्थ सॉकर्स की तरफ से यहाँ पर मेलबोर्न हिट्स की तरफ से आपको ओपनिंग करते हुए रेड माइन, जी हाँ, यहाँ पर ओपनिंग करते हुए आपको रेड माइन नजर आ जाएंगे। तो भाई हमारे साथ बने रहिए, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर दबाए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पर जी हाँ, यहाँ पर आपको नजर आएंगे, आपको बता दें कि यहाँ पर जॉर्जिया रेड माइन ब्रिस्बेन हिट की तरफ से ओपन करते हुए नजर आएंगे ग्रीस हैरिस के साथ। उसके बाद जेस जॉनसन का आने का बात है, अगर जेस जॉनसन अगर आएंगे और उसके बाद आएंगे जॉर्जिया वॉल। जी हाँ, जॉर्जिया वॉल ये फास्ट डाउन पे आएंगे या सेकंड डाउन पे, मुझे लगता है फास्ट डाउन पे जेस जॉनसन आएंगे, उसके बाद ही आएंगे जॉर्जिया वॉल। एने बोस्टम, तारपर किमिनेंस, हेंकली और डी क्लार्क, नादिन डी क्लार्क काफ़ी बेहतरीन गेंदबाज है। नादिन डी क्लार्क प्रेस्टिजियस पिछली मैच में कमाल के बॉलिंग किया था, निकोला हैनकॉक एंड पूनम यादव इंडियन। तो यहाँ पर भाई थोड़ी ही देर में मैच स्टार्ट होने वाला है और मैच का लाइव एक्शन लेके मैं तुरंत आपके साथ बना रहूँगा। तो भाई हमारे साथ बने रहिएगा और थोड़ी ही देर में लगभग यहाँ पर मैच, जी हाँ, यहाँ पर मैच दोबारा से स्टार्ट होने के लिए तैयार है। फिर 59 सेकंड का बात है, यहाँ पर 56, यहाँ पर 54 सेकंड का बात है, 54 सेकंड बाद मैच स्टार्ट हो जाएगा भाई। तो भाई हमारे साथ बने रहिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेहतरीन मैच होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है, मैदान पे खिलाड़ी आ चुके हैं। जी हाँ, मैदान पे खिलाड़ी आ चुके हैं और पहला गेंद यहाँ पर डलने वाला है। पार्थ सॉकर्स ने आज टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। जी हाँ, पार्थ सॉकर्स ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है और रेड माइनी एंड जॉर्जिया क्रिस ये दोनों आ चुके हैं ओपन करने के लिए। रेड माइनी एंड जॉर्जिया क्रिस ये दोनों आ चुकी हैं भाई यहाँ पर ओपन करने के लिए। तो हमारे साथ बने रहिए, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दूसरी तरफ हम बात करते हैं यहाँ पर पार्थ सॉकर्स के बॉलिंग एक्शन की, तो पीपारियो पेस्चियल लिली मिल्स ने किया भी अच्छा बॉलिंग किया था लिली मिल्स ने। तो भाई बने रहिए हमारे साथ, लाइक जरूर कीजिए। और पहली गेंद और मार्जिनी कैफ की ओवर द विकेट बॉल करता हुआ इस बार ऑफ स्टंप के बाहर की तरफ निकली, अच्छी फ्लाइटेड गेंद सीधा विकेट कीपर के पास गई है, कोई रन नहीं, डॉट बॉल होता हुआ एंड रेड माइनी ये दोनों ओपन करता हुआ। तो भाई बने रहिए, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर दबाए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दो गेंदें लगातार हो चुकी है और दो गेंदों के बाद कोई रन नहीं बने हैं, लगातार अच्छी गेंदबाजी मार्जिनी कैफ का क्रिस हैरिस को। तो भाई लाइक करो, लाइक करो, लाइक करो, लाइक करो और चैनल पर दबाए चैनल को सब्सक्राइब करो। इस ओवर की तीसरी गेंद मार्जिनी कैफ का, बैटिंग करेंगे क्रिस हैरिस। राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल करता हुआ क्रिस हैरिस को, बाएं हाथ के खिलाड़ी है क्रिस हैरिस। उस बार अच्छी लेंथ बॉल था, फुल लेंथ की बॉल थी जिसको ड्राइव कर दिया इस बार मिड ऑफ के पास, कोई रन नहीं मिलेंगे, लगातार अच्छी गेंदबाजी करता हुआ मार्जिनी कैफ। अभी तक इस यहाँ पर रेड माइन आए हैं नए गेंदबाज, यहाँ पर बल्लेबाज। तो भाई हमारे साथ बने रहिए, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर दबाए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। काफी अच्छी गेंदबाजी यहां पर चल रही है। जी हां, रेड माइनी यहां पर फिर से एक बार बैटिंग करने के लिए तैयार। इस बार ग्रीस हैरिस है स्ट्राइक पे, मार्जिनी कैफ काफी कमाल की गेंदबाजी किया था पिछली मैच में,
विकेट आखिरी बॉल यहाँ पर डेथ ओवर में विकेट मिला था, फिर से एक बार राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल करता हुआ, इस बार मिडिल स्टंप का बॉल, इस बार ऑफ स्टंप की तरफ कट हुई गए, सीधा जो है विकेट कीपर के पास, कोई रन नहीं, डॉट बॉल होता हुआ बेहतरीन गेंद ये, और टप मिडिल मतलब बॉल जो है एकदम आउटसाइड द ऑफ स्टंप कट हुई गेंद, अच्छी गेंदबाजी करता हुआ चीफ यहाँ पर स्विंग मिलता हुआ मार्जिनी कैफ को। थैंक यू सो मच भाई लाइक करके सपोर्ट करने के लिए, इसी तरह लाइक करो और सब्सक्राइब करो। फिर से एक बार इस ओवर की अगली गेंद, इस बार मिडिल स्टंप का बॉल, सुअर बॉल था, बॉल थोड़ी सी नीचे रही और सीधे बल्ले से खेल दिया इसको बॉलर के पास, ओवर की समाप्ति, मैडन ओवर रहा भाई, पहला ओवर मैडन ओवर रहा यहाँ पर मार्जिनी कैफ का, बहुत ही बढ़िया उमदा गेंदबाजी यहाँ पर मार्जिनी कैफ का, ग्रिजारिस थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लेके खेलती हुई। तो भाई लाइक करो, लाइक का मतलब होता है सपोर्ट जरूर करो। रेड माइनी इस बार सामना करेंगे, देखना होगा अगले गेंदबाज कौन आते हैं, क्योंकि यहाँ पर गेंदबाजी किसको दिया जाएगा। पार्ट सॉकर्स की कप्तान सोफिया डिवाइन ने पिछले मैच में काफ़ी कमाल की बैटिंग यहाँ पर बॉलिंग किया था और आते ही विकेट निकाला था, और आज देखना होगा किसको बॉलिंग दिया जाता है, पास्टेल या एलेना किंग कौन आएंगे गेंदबाजी करने। अगला गेंद हैदर ग्रहम भी गेंदबाजी करते हैं, लिली मिल्स है इनकी गेंदबाज, अब देखना होगा किसको दिया जाता है। सीमांता बेट्स भी आते हैं यहाँ पर गेंदबाजी करने के लिए, पिछली मैच में सीमांता बेट्स को ज़्यादा बॉलिंग नहीं दिया गया था, मगर इस बार देखना होगा कि किसको गेंदबाजी करवाएंगे। एक बॉलर सोफिया डिवाइन फिर से बार बॉलिंग करने के लिए तैयारी, ओवर की पहली गेंद राउंड विकेट बॉल करता हुआ, सो यहाँ पर रेड माइन को बॉल को खेल दिया है डीप फाइन लेग की तरफ, फील्डर मौजूद है, दो रन आराम से मिलेंगे और इसी दो रनों के साथ स्कोरबोर्ड थोड़ा सा बढ़ता हुआ, स्कोरबोर्ड में पहली रन आता हुआ दो रन से, और एक ओवर एक गेंदों के बाद दो रन बने हैं विदाउट एनी लॉस। हमारे साथ बने रहिए भाई, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पार्ट सॉकर सोमन ने आज टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। इस ओवर की अगली गेंद राउंड विकेट बॉल करता हुआ रेड माइन को, बाएं हाथ का खिलाड़ी, इस बार सुअर बॉल था, नो बॉल का इशारा, जी हाँ नो बॉल का इशारा, तो यहाँ पर फ्री हिट मिलेगा भाई, नो बॉल का इशारा, तो यहाँ पर फ्री हिट मिलेगा, फ्री हिट मिलेगा, और इसी फ्री हिट एक तो नो बॉल एक रन मिला, फिर से एक बार एक अच्छी फ्री हिट मिलता हुआ। तो भाई बने रहिए, लाइक जरूर कीजिए, पास्टेल आए हैं बॉलिंग डालने के लिए, पास्टेल इस ओवर की दूसरी गेंद, फ्री हिट वाला बॉल है, सामना करेंगे रेड माइन, बाएं हाथ के खिलाड़ी को राउंड विकेट बॉल करता हुआ पास्टेल, अच्छी गेंदबाज है पास्टेल, इस बार ऑफ स्टंप पे पिच हुई गेंद, बॉल को खेल दिया कवर और पॉइंट के बीच में से, चार रनों के लिए भरपूर फायदा उठाया यहां पर गेंदबाजी का, खराब गेंद और उसका भरपूर फायदा उठाया, अच्छी रूम के साथ चार रन मिल चुके हैं, और इस चार रनों के साथ एक ओवर दो गेंदों के बाद सात रन बन चुके हैं भाई। जॉन मामोन जॉयची कह रहे हैं टोटल रन्स, भाई टोटल रन्स तो यहाँ पर मुझे लगता है कि 140 से 150 रनों के बीच होगा, जिस तरीके से जिस अंदाज से यहाँ पर 20 ओवर में यहाँ पर मुझे लगता है कि 140 के करीब रन बन सकते हैं, एवरेज स्कोर आप पकड़ के चलिए 130 से 140 एवरेज स्कोर बनेंगे, ज़्यादा हाई स्कोर नहीं बनेंगे। इस बार पुल करने की कोशिश, हाउ में बॉल है, मगर यहाँ पर एक रन मिलेंगे और इसी एक रन के साथ स्कोर जो है धीरे धीरे बढ़ता हुआ सात रनों तक बन चुका है, एक ओवर दो गेंदों के बाद, एक ओवर दो गेंदों के बाद आठ रनों तक बन चुका है भाई। तो भाई बने रहिए हमारे साथ, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पास्टेल बॉलिंग करने के लिए तैयार और सामना करेंगे इस बार ग्रीस हैरिस। भाई अगर यहाँ पर पावर प्ले को देख के आपको पता चलेगा कि यहाँ पर बड़ा स्कोर बनेंगे या नहीं बनेंगे, मगर मुझे लगता है कि एवरेज स्कोर ही बनेंगे। और इस बीच अगली गेंद सुअर बॉल था, अच्छी बाउंसर के साथ बॉल सीधा विकेट कीपर के पास गया है, कोई रन नहीं, ऑफ साइड में पिच हुई थी गेंद, और बेहतरीन गेंदबाजी यहां पर पास्टेल का, अभी तक सिर्फ इस ओवर में 9 रन दिए हैं। तो भाई जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया भाई, सभी को लाइक जरूर कर देना और जल्दी से जल्दी यहां पर लाइक करो और चैनल पर सब्सक्राइब करो। जॉर्जिया रेड माइन एंड यहां पर ग्रीस हैरिस, ये दोनों आए हैं, सलामी बल्लेबाज है यहाँ पर ब्रिस्बेन हीट के। पिछली मैच की बात करें, पिछली मैच सुपर ओवर तक गया था, 136 रन बने थे टारगेट, था 137 का नहीं 137 रन बने थे टारगेट, 138 का था,
और आखिरी बॉल में 2 रन लेके सुपर ओवर तक मैच गया था, और सुपर ओवर में 13 रन बनाए थे ब्रिस्बेन हिट ने, और उस 13 रन को चेज कर लिया था पार्थ सॉकर्स ने। उस मैच में पार्थ सॉकर्स ने काफ़ी बेहतरीन परफॉर्म किया था, तो आज देखना होगा कि इस मैच में कौन जीतता है। तो हमारे साथ जितने भी भाई बने हुए हैं सभी को बोलूंगा भाई लाइक जरूर करो, और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर से एक बार पास्टेल बॉलिंग करता हुआ इस ओवर की 5वीं गेंद, राइट अप ओवर द विकेट बॉल करता हुआ ग्रीस हैरिस को इस बार बॉल बैल का किनारा लिया, चला गया बैकवर्ड डीप बैकवर्ड पॉइंट में 4 रनों के लिए, और इसी चौके के साथ स्कोर जो है 1 ओवर 5 गेंदों के बाद 13 रनों तक पहुंच चुका है। बहुत ही जबरदस्त चौका ये, यहां पर इस ये जो पहला चौका था ग्रीस हैरिस की बल्ले से बैट का किनारा लेके ये थर्ड मैन की तरफ गया था या बैकवर्ड पॉइंट की तरफ गया था 4 रनों के लिए। तो चलिए इस ओवर की आखिरी गेंद पास्टेल का, और सामना करेंगे फिर से एक बार ग्रीस हैरिस। पिछली मैच में ग्रीस हैरिस ने कमाल की बल्लेबाजी किया था, ग्रीस हैरिस की अगर बल्ले से पिछली मैच में 41 रन आए थे पार्थ सॉकर्स के बीच, तो इस मैच में भी क्या ये उस फॉर्म को दोहरा पाएंगे। इस बार बोलते बोलते ऑफ साइड में बाहर की तरफ गेंद, रूम मिला था डीप बैकवर्ड पॉइंट में, मिसफील्ड हुई है बैक टू बैक चौका, डीप बैकवर्ड पॉइंट में मिसफील्ड हुई है और एक बैक टू बैक चौका लगाता हुआ स्कोर को 2 ओवर के बाद 17 रनों तक पहुंचा दिया है भाई। तो भाई हमारे साथ लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेहतरीन मैच होता हुआ 2 ओवर के बाद काफी कमाल का शुरुआत हो चुका है ब्रिस्बेन हिट का। आज देखना होगा कि ब्रिस्बेन हिट जो है यहां पर कितने स्कोर बना पाते हैं। पिछली मैच में 137 रनों का चेज करते हुए मैच को ड्रॉ कर दिया था आखिरी बॉल पे, और मैच सुपर ओवर तक गया था, और उसमें ब्रिस्बेन हिट ने हार गया था ब्रिस्बेन हिट। मगर आज जो है मौका है बड़ा इनिंग्स खेलने का। अब देखना होगा कि इस मैच में कितना रन बनते हैं 20 ओवर में ब्रिस्बेन हिट बना पाती है। मेरी हिसाब से देखा जाए तो एवरेज स्कोर भी बनेगा 130 से 140 के बीच रन बनना चाहिए। पार्थ सॉकर्स ने टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, बहुत ही उम्दा फैसला, और फिर से एक बार बॉलिंग करता हुआ इस बार लेग स्टंप से बाहर बॉल, वाइड बॉल का इशारा। मार्जिनी कैफ आए हैं फिर से एक बार दोबारा बॉलिंग डालने के लिए। मार्जिनी कैफ की इसे दूसरी ओवर की पहली गेंद वाइड बॉल था, लेग स्टंप से थोड़ी नहीं काफ़ी बाहर था, और रेड माइन जो कि एक बाएं हाथ के खिलाड़ी है, बाएं हाथ के खिलाड़ी को राउंड विकेट बॉल करता हुआ मार्जिनी कैफ राउंड द विकेट। यहां पर रेड माइन को मिडिल स्टंप का बॉल, अच्छी फ्लिक किया है बॉल को, बॉल चला गया है फाइन लेग की तरफ, 1 ही रन मिलेंगे, और इसी 1 रन के साथ स्कोर जो है 19 रनों तक पहुंच चुका है। तो भाई सभी को बोलूंगा भाई लाइक जरूर करें, लाइक के साथ साथ कमेंट करके जरूर बताएं कि आज ब्रिस्बेन हिट जो है यहां पर कितने रन बनाएगा। और मुझे लगता है कि यहां पर ब्रिस्बेन हिट 130 से 140 के बीच कुछ भी स्कोर बना सकती है। आपको क्या लगता है कि कितने रन बनेंगे, 140 से ज़्यादा बनेंगे या कम बनेंगे, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। मार्जिनी कैप की इस बार अगली गेंद ग्रीस हैरिस को, गुल्डन की बॉल थी अंदर की तरफ आई, बॉल को खेल दिया है पॉइंट की तरफ, 1 ही रन मिलेगा। तो भाई हमारे साथ 24 भाई जुड़ चुके हैं, और जल्दी से जल्दी भाई 10 लाइक पूरा कर दे, और चैनल पर तो भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। काफ़ी बेहतरीन मैच होता हुआ यहाँ पर मार्जिनी कैफ, फिर आज भी मैच ये रोचक हो जाएगा क्योंकि पार्थ सॉकर्स और ब्रिस्बेन हिट के बीच ये मैच है, और पिछला मैच काफ़ी दमदार हुआ था। थैंक यू सो मच भाई लाइक करके सपोर्ट करने के लिए, और मुझे लगता है इस मैच में कुछ भी हो सकता है। दोनों टीम बराबर के हैं, और फिर से एक बार राउंड विकेट बॉल करता हुआ काफ़ी बेहतरीन गेंद, स्लोअर बॉल था, अच्छी उछाल के साथ बॉल को डिफेंड कर दिया है, कोई रन नहीं, डॉट बॉल होता हुआ। फर्स्ट विकेट की होबे भैया महमूद सरीफुल जी, एमडी सरीफुल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पहला विकेट उनको चाहिए। अब देखना होगा कि कितनी जल्दी पहला विकेट गिरता है भाई महमूद सरीफुल जी। मोहम्मद सईम जी 130 से 140 रन के अंदर बनेंगे भाई। इरशाद अली जी हमारे साथ फिर से एक बार जुड़ चुके हैं, और इस बार बॉल को खेल दिया है बॉलर के बगल से लॉन्ग ऑन की तरफ, सिंगल लेता हुआ, और इसी सिंगल के साथ 2 ओवर 4 गेंदों के बाद 20 रन बनाए विदाउट एनी लॉस, अंदर के रन बनेंगे सर। चलिए इरशाद अली जी हमारे साथ फिर से एक बार जुड़ चुके हैं, पिछला मैच में भी हमारे साथ जुड़े हुए थे इरशाद अली, और इस मैच में भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कह रहे हैं कि 130 रन बनेंगे। तो भाई 130 रन बनेंगे तो यहाँ पर आराम से जीत दर्ज कर लेगा पार्थ सॉकर्स।
अब देखना होगा कि 130 बनते हैं, मुझे मेरा मेरा हिसाब है 130 से 140 के अंदर रन बनेंगे। इस बार मिडिल स्टंप का बॉल, बेहतरीन गेंद, सीधा बल्ले से खेल दिया है बॉलर के हाथ में, कोई रन नहीं मिलेगा, डॉट बॉल होता हुआ। तो भैया हमारे साथ जितने भी भाई जुड़े हुए हैं, सब नहीं आएगा कोई विकेट। जी हाँ राहुल राज जी, यहाँ पर इतनी जल्दी विकेट आज नहीं गिरेंगे मुझे लगता है। रेड माइन है यहाँ पर, ग्रीस हैरिस है, ग्रीस हैरिस 9 रनों के स्कोर पे, दोनों ही बल्लेबाज सलामी बल्लेबाज 9 रनों के स्कोर पे खेल रही है। ग्रीस हैरिस को ओवर द विकेट बॉल करता हुआ मार्जिनी कैप, इस बार मिडिल स्टंप का बॉल, बॉल को हल्के से फ्लिक कर दिया है, बॉल चला गया स्क्वायर लेग की तरफ, 2 रन आराम से कंप्लीट करता हुआ और इसी 2 रनों के साथ ओवर की समाप्ति। 3 ओवर के बाद स्कोर जो है 23 रनों तक पहुंच चुका है। ग्रीस हैरिस 11 रनों के स्कोर पे और रेड माइन 9 रनों के स्कोर पे खेल रही है। आपको बता दें ग्रीस हैरिस पिछली मैच में 41 रन बनाए थे क्या? और राजेश शेख जी कह रहे हैं भाई यहाँ पर 145 बनेंगे, भाई बन सकते हैं ये 145, मगर 150 नहीं बनेंगे ये तो मुझे लगता है। पहला विकेट हमारा इम्पोर्टेंट, चलिए मोहम्मद शरीफुल जी, हम पहला विकेट इम्पोर्टेंट मतलब समझ नहीं पा रहे हैं, चलिए देखते हैं कितनी जल्दी आते हैं पहला विकेट, क्योंकि मार्जिनी कैप ने अपना 2 ओवर डाल लिए हैं और मार्जिनी कैप 2 ओवर में सिर्फ 6 रन दिए हैं। तो सलामी दोनों बल्लेबाज जो है काफ़ी आराम से खेलते हुए, अभी कोई दिक्कत नहीं हो रही है इन दोनों को खेलने में, एक विकेट हो जाएगा जी। देखिए देखते हैं, मुझे लगता नहीं कि जिस तरीके से जिस अंदाज से ये दोनों बैट्समैन खेल रही है पावर प्ले के अंदर विकेट गिरेगा। फिर से एक बार बॉलिंग करता हुआ, इस बार ऑफ स्टंप है, बाहर गेंद, बॉल को खेल दिया है बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में 4 रनों के लिए और यहाँ पर बेहतरीन चौका, बेहतरीन चौका यहाँ पर रेड माइन की बल्ले से आई है जॉर्जिया रेड माइन और 13 रनों तक पहुंच चुकी है और स्कोर हो चुका है भाई यहाँ पर 27 रन 3 ओवर 1 गेंदों के बाद। जबरदस्त बैटिंग करता हुआ रेड माइन, पास्टल इस ओवर में तेज से महंगे साबित होते हुए पहली गेंद पे ही चौका खा गया है। अब देखना होगा कि दूसरी गेंद, इस बार ओवर द विकेट बॉल करता हुआ रेड माइन को, बाएं हाथ के खिलाड़ी को दाहिने हाथ से ओवर द विकेट बॉल करता हुआ पास्टल। तो हमारे साथ जितने भी भाई बने हुए हैं सभी को बोलूंगा लाइक जरूर करें, लाइक 10 लाइक तक जल्दी से जल्दी पहुंचा दे भाई। और देखते हैं भाई हमारे साथ 23 भाई जुड़ चुके हैं और 23 भाइयों ने एक बार लाइक करके अगर 10 लाइक तक पहुंचा दिया तो मजा आ जाएगा भाई, 60 प्लस के बाद आएगा विकेट। चलिए देखते हैं यहाँ पर राहुल राज जी कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर फिर से एक बार बॉलिंग करता हुआ पास्टल राइट आर्म, ओ ये आप पर अच्छी स्विंग मिलता हुआ, अच्छी आउट स्विंग बॉल, बॉल टप्पा खाया ऑफ स्टंप की तरफ निकली, बहुत ही बेहतरीन गेंद ये सीधा विकेट कीपर के पास गया है, टाइमिंग मिस किया है यहाँ पर बैट्समैन रेड माइन ने। बहुत ही उमदा बैटिंग चल रही है यहाँ पर रेड माइन और ग्रीस हैरिस के बीच और इन दोनों के बीच 27 रनों की पार्टनरशिप अभी तक बन चुकी है। 3 ओवर 2 गेंदों के बाद 27 रन विदाउट एनी लॉस। आमी आची अमर नाम लाओ, राजेश शेख जी हमारे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस बार फिर से बॉल ऑफ स्टंप पे बाहर की तरफ निकली हुई गेंद, बहुत ही बेहतरीन गेंद, बॉडी से दूर जाके खेलने की कोशिश, वाइड बॉल जरूर दिया है मगर अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर पास्टल का। राजेश शेख जी हमारे साथ ज्वाइन हुए आछेन एवं राजेश शेख जी बोलते हमार नाम नीते राजेश शेख फ्रॉम शायद यहाँ पर राजेश शेख जी कहाँ से हमारे लोग के साथ जुड़े हुए हैं पता नहीं है। राजेश शेख जी हेलो जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। विनोद तारारिया जी 6 ओवर रन भाई, 6 ओवर में 6 ओवर और इस बार अगली गेंद पटकी हुई गेंद, इस बार खेल दिया है बॉल को हाव में, जी नहीं यहाँ पर हाव में बहुत देर तक बॉल था मगर थर्ड मैन की तरफ गया है, एक ही रन मिलेगा, हाव में बहुत देर तक बॉल था भाई, फील्डर तक जो कोई पावर प्ले चल रहा है तो उसका फायदा उठाया यहाँ पर रेड माइन ने 3 बॉल में। चलिए विनोद तारारिया जी कह रहे हैं कि 3 बॉल में विकेट आएगा मगर हम देखना पड़ेगा कि कितने रन बनते हैं। 3 ओवर 3 गेंदों के बाद 29 रन बन चुके हैं, 6 ओवर में मुझे लगता है लगभग 38 से 42 रनों के बीच बनेंगे, 38 से 42 रन बनेंगे 6 ओवर में। तो फिर से एक बार ग्रीस हैरिस स्ट्राइक पे सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद का पास्टल की गेंद, ओवर द विकेट छोटी गेंद, बॉल को फ्लिक फुल कर दिया है बॉल को, 4 रन मिलने चाहिए मगर बाउंड्री लाइन में बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग, 2 रन 3 रन तो आराम से मिल जाएंगे, 2 रन लिए हैं और इसी 2 रनों के साथ स्कोर जो है 30 रन 31 रनों तक पहुंच, नो बॉल, जी हाँ भाई नो बॉल तो 3 रन मिलेंगे और फ्री हिट मिलेगा, नो बॉल और फ्री हिट मिलेगा भाई, फ्री हिट मिलेगा, नो बॉल दिया है अंपायर ने और 31 रन बन चुके हैं 3 ओवर
चार गेंदों के बाद। तो भाई हमारे साथ दिल्ली से आछी हमी राजेश सिंह जी है, हम लोगों के साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं भाई, थैंक यू सो मच भाई जुड़ने के लिए। हो जाया फिर से एक बार बॉलिंग करता हुआ पास चली सोवर की अगली गेंद और इस बार लेग स्टंप से बाहर, बॉल पैड पे लगी, बॉल चला गया है फाइल लेग की तरफ, विकेट कीपर फील्ड को फील्ड करेंगे और यहां पर दो रन लेता हुआ। बड़ा शॉट तो नहीं लगा मगर दो रन आए हैं लेग बाई का इशारा अंपायर का और लेग बाई से ये दो रन आए हैं और इसी दो रनों के साथ स्कोर जो है 33 रनों तक पहुंच चुका है तीन ओवर पांच गेंदों के बाद। तो भाई बने रहिए हमारे साथ, लाइक जरूर कीजिएगा। पास्टेल फिर से एक बार बॉलिंग करता हुआ इस ओवर की आखिरी गेंद, अभी बांग्लादेश से बोल से अच्छी चलिए मोहम्मद शरीफुल जी हमारे साथ बांग्लादेश से जुड़े हुए हैं और बहुत ही बढ़िया फिर से एक बार अच्छी गेंद, गुड लेंथ की बॉल थी, अंदर की तरफ आई, बॉल को खेलने की कोशिश किया था, पैड के बीचों में से निकल गया है बॉल सीधा विकेट कीपर के पास, कोई रन नहीं बनेंगे, डॉट बॉल होता हुआ। तीन ओवर यहाँ पर, तीन ओवर पांच गेंद, चार ओवर कंप्लीट हो चुका है भाई, तीन ओवर पांच गेंदे हुए हैं, 34 रन बने हैं भाई। हमारे साथ बने रहिए भाई, लाइक जरूर कीजिए और मोहम्मद शरीफुल जी हमारे साथ बांग्लादेश से जुड़े हुए हैं भाई, थैंक यू सो मच भाई हमारे साथ बांग्लादेश से जुड़े रहने के लिए। तीन ओवर चार गेंदों के बाद यहां पर 34 रन बने हैं। बने रहिए भाई, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चार ओवर के बाद 35 रन बने हैं, चार ओवर के बाद 35 रन विदाउट एनी लॉस, टोटल रन इन 20 ओवर जॉय मुर्मू जॉय जी मुझे लगता है कि 130 से 140 के बीच रन बनेंगे। अभी भी दो गेंदे बाकी, दो ओवर बाकी है। टी एम आर नाम बोलो भाई, टी एम आर मतलब समझ नहीं पाए हैं, टी एम आर बोल दिया भाई आपका नाम, टीएमआर मोहम्मद शरीफुल जी। चलिए देखते हैं, अभी तक एक भी सफलता नहीं मिला है पार्थ सॉकर्स को, पहले टॉस जीतने के गेंदबाजी करने का कोई सफलता अभी तक नहीं ले पाए। फिर से एक बार मार्जिन ने क्या बॉलिंग करता हुआ, इस बार छोटी गेंद थी, बॉल को खेल दिया डीप स्क्वायर लेग की तरफ, चार रन मिल जाएंगे और इसी चौके के साथ ही स्कोर जो है धीरे धीरे बढ़ता हुआ 39 रनों तक पहुंच चुका है। चार ओवर एक गेंदों के बाद 39 रन भाई, 42 रनों से तो ज्यादा बन जाएंगे, मुझे लगता है कि 50 भी बन सकते हैं, 6 ओवर में 50 रन भी बन सकते हैं यहां पर। चार ओवर एक गेंदों के बाद 39 रन, क्या शुरुआत किया है पांचवें ओवर की, ग्रीस हैरिस ने यह चौका लगाया है, ग्रीस हैरिस का यह तीसरा चौका था। बांजी ने क्या फिर से एक बार बॉलिंग करता हुआ, इस बार बॉल भाई अच्छी गुड लेंथ का बॉल था, ऑफ स्टंप की तरफ निकली सीधा विकेट कीपर के पास, बल्ला लेके जरूर गया था, टच होता तो शायद यहाँ पर खतरा हो सकता था मगर कोई रन नहीं, डॉट बॉल होता हुआ। चार ओवर दो गेंदों के बाद 39 रन विदाउट एनी लॉस। तुम्हारा नाम बोलो भाई, मेरा नाम जीत है भाई शरीफुल जी, मेरा नाम JEET जीत है। छः ओवर में 52 रन, जी हाँ ये भी बन सकते हैं भाई। राहुल राज जी इस बार लॉन्ग ऑन की तरफ खेल दिया है, मुझे लगता है चार रनों के लिए भाई, फील्डिंग थोड़ा सा मिसफील्ड हुई है और यहां पर फिर से एक चौका मिल चुका है और राहुल राज जी यहां पर सही होता हुआ, मुझे लगता है कि 52 रन तो आराम से बन जाएंगे लग रहा है। 43 रन बन चुका है चार ओवर तीन गेंदों के बाद, इस बार लॉन्ग ऑन की तरफ से खेल दिया था चार रनों के लिए। ग्रीस हैरिस लगातार बहुत ही बढ़िया उमदा बैटिंग करता हुआ, चार चौके की मदद से 22 रनों के स्कोर पर खेल रही है ग्रीस हैरिस, क्या स्ट्राइक रेट है ग्रीस हैरिस का। इस बार लेग स्टंप पे बॉल था, बॉल को खेल दिया डीप स्क्वायर लेग की तरफ, दो रन की कॉल है और देखना होगा कि यहाँ पर नहीं, यहाँ पर सिंगल ही रन लिया है ग्रीस हैरिस ने, इसे सिंगल के साथ स्कोर जो है 44 रनों तक पहुंच चुका है। थैंक यू सो मच भाई बंगली टीम अमर रखा लगे ची अमी की जीते भाई, यहाँ पर आपका टीम का नाम मुझे तो पता नहीं है, राजेश शेख जी बोलिंगो टीम मतलब ब्रिस्बेन हीट शायद कह सकते हैं, और इस बार खेल दिया है कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच में से बॉल को निकाल दिया है चार रनों के लिए रेड माइनी, बहुत ही उमदा शॉट रेड माइनी का, ऑफ स्टंप पे थोड़ा सा रूम मिला था और उसका भरपूर फायदा उठाया रेड माइनी ने चौके के साथ, और इसी चौका के साथ स्कोर जो है धीरे धीरे बढ़ता हुआ 48 रनों तक बन चुका है चार ओवर पांच गेंदों के बाद। तो भाई जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया भाई लाइक जरूर कर दे
और चैनल पर दबा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। बेहतरीन मैच हो रहा है, ये आखिरी बॉल है इस ओवर का, सामना करेंगे जॉर्जिया रेड माइनी। राउंड द विकेट बॉल करता हुआ मार्जिन कैप, ऑफ स्टंप पे बॉल खेल दिया इस बार पॉइंट की तरफ, कोई रन नहीं मिलेगा, डॉट बॉल, एक रन नहीं भाई यहां पर एक रन लिया है और इसी एक रन के साथ स्कोर जो है पांच ओवर के बाद रन तो नहीं ले पाए, पांच ओवर के बाद 48 रन विदाउट एनी लॉस। थैंक यू सो मच भाई लाइक करके 6 लाइक तक पहुंचाने के लिए, भाई आप लोगों का यही प्यार है जो कि हम बरसाते रहिएगा और लगातार बरसाते रहिए, और कम से कम यहां पर 10 लाइक जल्दी से जल्दी आ जाना चाहिए भाई। ग्रीस हैरिस जो कि 23 रनों की स्कोर पे खेल रही है और जॉर्जिया रेड माइनी जो कि 18 रनों की स्कोर पे खेल रही है, पांच ओवर के बाद 48 रन। अब देखते हैं आखिरी के ओवर में कितने रन आएंगे भाई, आखिरी ओवर भाई, सोफिया डिवाइन खुद आई है बॉल डालने के लिए, कप्तान खुद आई है बॉल डालने के लिए। थैंक यू सो मच भाई लाइक करके सपोर्ट करने के लिए। सामना करेंगे ग्रीस हैरिस, ओवर द विकेट बॉल करता हुआ मिडिल स्टंप का बॉल, पैर की तरफ बॉल किया था, बहुत ही रनआउट का चांस मगर बॉल थ्रो ही नहीं किया, पकड़ तो जरूर लिया था थ्रो नहीं किया। राहुल राज जी कह रहा है 56 पे 6 ओवर के बाद 56 रन बनेंगे, भाई मुझे भी लगता है कि 6 ओवर में 56 से ज़्यादा बन जाना चाहिए क्योंकि जिस तरीके से 48 रन बने हैं और एक बड़ा शॉट यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। फिर से एक बार सोफिया डिवाइन की गेंद, इस ओवर की दूसरी गेंद, फुल टॉस दिया है बॉल को, बॉल को खेल दिया डीप स्क्वायर लेग की तरफ, इस बार सिंगल मिलेगा, फील्डर मौजूद है वहां पर बॉल को रोकने के लिए, एक ही रन मिलेगा और इसके साथ 49 रन विदाउट एनी लॉस के जीत पे। मोहम्मद शरीफुल जी, मोहम्मद यहाँ पर मुझे लगता है कि दोनों टीम काफ़ी स्ट्रांग टीम है, पिछला बार जो मैच खेला था इस WBBL 2021 में और उस मैच में सुपर ओवर तक गया था, तो ये मैच बोलना मुश्किल है कौन जीतेगा। यहाँ पर अभी हाल फिलहाल जिस 6 ओवर चल रहा है उसको देख कर लग रहा है कि यहाँ पर थोड़ा सा बेसबॉल हिट भारी है और इस बार खेल दिया है बॉल को मिड ऑफ के पास, कोई रन नहीं मिलेंगे, डॉट बॉल होता हुआ। तो भाई थैंक यू सो मच भाई लाइक करके सपोर्ट करने के लिए, और सिर्फ 2 लाइक है यहाँ पर 10 लाइक तक पहुँचने के लिए, तो जल्दी से जल्दी भाई 10 लाइक कर दे और चैनल पर तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। रेड माइनी 18 रनों की स्कोर पे, जॉर्जिया ग्रीस 24 रनों की स्कोर पे। फिर से एक बार सोफिया डिवाइन बॉलिंग करता हुआ, कप्तानी बॉलिंग करता हुआ, इस बार राउंड द विकेट बॉल करता हुआ डिवाइन को और इस बार स्वीप करने की कोशिश, बल्ले पे सही पे नहीं आई बॉल, बॉल का बॉल जो है बैट का निचला हिस्सा लिया और चला गया है सिली मिडॉन के पास, कोई रन नहीं मिलेंगे, डॉट बॉल होता हुआ। तो भाई थैंक यू सो मच भाई यहाँ पर लाइक करके सपोर्ट करने के लिए, इसी तरह आप अपना प्यार बरसाते रहिए और हमारी कमेंट्री सुनते रहिए। भाई बांग्ला बोलो एक बार, मोहम्मद शरीफुल जी हमें तो बांग्ला बांगाली सुतरा बांग्ला हमें बोलते पड़ी, एर मध्ये इस बात में एक रन और भी मिल गए हैं और इसी एक रन के साथ 50 रन भी पूरे हो चुके हैं। भाई राहुल राज जी ने कहा था, पहले कहा था कि 52 पे 52 रन बनेंगे, तो उसको देख के लग रहा था कि भाई यहाँ पर 52 रन बन जाना चाहिए। देखते हैं यहाँ पर ग्रीस हैरी आखिरी बॉल सोफिया डिवाइन का, आमी हेरे जाओ 1000% हमार टीम बॉलिंग टीम बॉलिंग टीम और बॉलिंग टीम मतलब 5 सॉकर्स। देखिए मैच क्रिकेट मैच है, कुछ भी क्या हो सकता है और इस बार 6 ओवर कंप्लीट हो चुके हैं, 6 ओवर पावर प्ले में 50 ही रन बने हैं भाई विदाउट एनी लॉस। देखिए पावर प्ले में तो कोई विकेट नहीं गिरा है, अब देखना होगा कि आगे जाके क्या होता है। 6 ओवर कंप्लीट हो चुके हैं, 6 ओवर में ब्रिस्बेन हीट ओमेंस जो है 50 रन बना पाए हैं विदाउट एनी लॉस, शुरुआत अच्छा हुआ है ब्रिस्बेन हीट का। अब देखना होगा कि 5 सॉकर्स मैच में वापसी कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि अगर विकेट नहीं गिरेंगे तो मैच इनके हाथ 5 सॉकर्स के हाथ से बहुत दूर चला जाएगा। विकेट लेना जरूरी है, रन पे अगर रोक लगाना होगा तो, अगर आप चाहते हैं कि रन पे रोक लगे तो विकेट लेने होंगे, क्योंकि अगर विकेट नहीं गिरेंगे तो रन बनते जाएंगे। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा बैटिंग लाइनअप है ब्रिस्बेन हीट के पास, जॉर्जिया रेड माइन ग्रीस हैरिस जॉर्जिया वॉल जेस जॉनसन जो कि कप्तान है, खुद बैटिंग कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी बैटिंग करते हैं, एनिक बोस काफ़ी बेहतरीन बैट्समैन है और हिंकली भी यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन बैटिंग कर सकते हैं। तो भैया हमारे साथ बने रहिए, लाइक जरूर कीजिए, हिस्सा डालिए, जीत भाई की कमेंट्री अच्छी है बस सर बहुत सपोर्ट करो ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू सो मच भाई, T20 वर्ल्ड कप की धड़कन है, जी हाँ भाई T20 वर्ल्ड कप की कमेंट्री भी मैं लाऊंगा बहुत ही जल्द,
स्पिनर विकेट लेंगे। जी हाँ, स्पिनर लेंगे तो स्पिनर को दे दिया गया है बॉलिंग। पहली गेंद डाले हैं और पहली गेंद पे ही एक रन लेके यहाँ पर स्ट्राइक को रोटेट किया है रेड माइन पहुंच चुके हैं 16 गेंदों पे 20 रनों के स्कोर पे। ग्रीस एडिस 24 गेंदों पे 24 रनों के स्कोर पे। एलिना किंग विकेट टेकिंग बॉलर है, वो उनको बॉलिंग दिया गया है। एलिना किंग आई है बॉलिंग डालने के लिए और सामना करेंगे ग्रीस हैरिस। तो भाई हमारे साथ जितने भी भाई जुड़े हुए हैं सभी को बोलूंगा लाइक जरूर करें और चैनल पर दबाए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एलिना किंग आई है बॉलिंग डालने के लिए और विकेट टेकिंग बॉलर है एलिना किंग। काफी ज्यादा ठंड पड़ चुकी है जहां पर मैच हो रहा है ओवल में। और एलिना किंग फिर से एक बार बॉलिंग के लिए तैयार, सामना करेंगे ग्रीस हैरिस। राइट आर्म बॉलर है मगर काफी अच्छी बॉलिंग डालते हैं इस बार और बैकफुट में जाकर बॉल को खेल दिया है पॉइंट की दिशा में। बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग, एक रन जरूर मिला है मगर यहाँ पर रन जरूर लिए हैं और इसी एक रन के साथ स्कोर जो है 52 रनों तक पहुंच चुका है। 6 ओवर 2 गेंदों के बाद 52 रन विदाउट एनी लॉस। तो भाई हमारे साथ बने रहिए, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर दबाए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एलिना किंग राउंड द विकेट बॉल करता है इस बार रेड माइन ने गैप में खेल दिया है बॉल को। बॉल चला गया है डीप मिड ऑफ स्क्वायर लेग के तरफ, सिंगल लेता हुआ। बहुत ही बेहतरीन साझेदारी बनता हुआ यहाँ पर 50 रनों की साझेदारी इन दोनों के बीच बन चुकी है, जॉर्जिया रेडमाइन एंड ग्रीस हैरिस के बीच। अब देखना होगा इस साझेदारी आगे कितनी ऊपर तक जाती है। 5 सॉकर्स की आज एवरेज बॉलिंग रहा है, अभी तक एक भी विकेट नहीं निकाल पाई है। एलिना किंग आई है बॉलिंग डालने के लिए इस ओवर की अगली गेंद हैरिस को और इस बार बॉल को खेल दिया है मिड ऑन के पास, सिंगल लेता हुआ। उसी सिंगल के साथ स्कोर जो है धीरे धीरे बढ़ता हुआ 54 रनों तक बन चुका है 6 ओवर 4 गेंदों के बाद। मोहम्मद गेट आउट और अदर, भाई गेट आउट नहीं, यहाँ पर देखना होगा कि 5 सॉकर्स अभी तक एक विकेट नहीं निकाल पाई है, बहुत जरूरी है अगर देखा जाए 5 सॉकर्स के लिए। रेड माइन को राउंड द विकेट बॉल करता हुआ एलिना किंग और फ्लाइटेड गेंद अगेंस्ट द स्पिन जाके बॉल को खेल दिया है। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट बॉल को खेल दिया था मिड ऑफ के पास और बैट में खेल के ही दौड़ पड़े थे। बहुत ही अच्छी रनिंग लेता हुआ यहाँ पर रेड माइनिंग। तो चलिए देखते हैं, अभी तक यहाँ पर एक भी विकेट नहीं गया है और 7वां ओवर चल रहा है, आखिरी गेंद है और आखिरी गेंद का सामना करेंगे ग्रीस हैरिस। एलिना किंग इस बार आगे निकल के आए, फ्लाइटेड गेंद थी, बॉलर के ऊपर से खेल दिया है बॉल को स्ट्रेट ड्राइव 4 रनों के लिए। बहुत देर बाद चौका आया है मगर अच्छा खासा चौका लगाता हुआ ग्रीस हैरिस। 7 ओवर के बाद 59 रन बन चुके हैं विदाउट एनी लॉस। बहुत ही बड़ा शॉट यहां पर बॉलर के सर के ऊपर से खेला था ग्रीस हैरिस। 27 गेंदों पे 30 रन बना चुकी है और पिछले मैच में इन्होंने 41 रनों का एक जबरदस्त इनिंग्स खेला था और इस मैच में भी हम उम्मीद करेंगे कि वही पारी दोहरा पाए और इस बार शायद 50 से कर ले। बिग बैश लीग में ग्रीस हैरिस की बल्ला जैसा बोलता है और बॉलिंग भी ये करती है भाई, खास करके ये बॉलिंग भी डालती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैटिंग करती है ग्रीस हैरिस। और इस बार रेड माइनी है स्ट्राइक पे, सामना करके देखना होगा दूसरे छोर से कौन आते हैं बॉलिंग करने के लिए। फास्ट बॉलर दूसरे छोर से फास्ट बॉलर को लगाया गया है, मुझे लगता है सोफिया डिवाइन खुद आई है बॉलिंग डालने के लिए। अपना दूसरा ओवर कंप्लीट करेंगे सोफिया डिवाइन। फील्डिंग में 4 फील्डर ऑफ साइड में लगाए गए हैं, पॉइंट एक्स्ट्रा कवर। और जी हाँ, सोफिया डिवाइन अपना दूसरा ओवर करेंगी और सामना करेंगे यहाँ पर रेड माइन। तो भाई लाइक जरूर करें और 6 लाइक दूर है 20 लाइक से, तो 20 लाइक जल्दी पूरा कर दे। रेड माइन की गई, रेड माइन को बॉलिंग करता हुआ राउंड द विकेट, इस बार सीधे बल्ले से खेल दिया है बॉलर के बगल से स्ट्रेट ड्राइव 4 रनों के लिए और इसी चौके के साथ स्कोर जो है धीरे धीरे बढ़ता हुआ 63 रनों तक पहुंच चुका है। अच्छी शुरुआत मिलता हुआ, धमाकेदार स्टार्टिंग हो चुका है यहाँ पर ब्रिस्बेन हिट का यह पर धमाकेदार स्टार्टिंग। दोनों ही सलामी बल्लेबाज यहाँ पर जबरदस्त बैटिंग करता हुआ, कप्तान खुद आए हैं बॉलिंग डालने के लिए। अपना दूसरा ओवर कंप्लीट करेंगे मगर इस बार का कोई काम नहीं आ रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है बैट्समैन को। रेड माइन ऑफ स्टंप पे बॉल को खेल दिया इस बार थर्ड मैन की तरफ, सिंगल लेटेड करता हुआ। 7 ओवर 2 गेंदों के बाद 64 रन बने विदाउट एनी लॉस, काफी अच्छी। थैंक यू सो मच भाई लाइक करके सपोर्ट करने के लिए, इसी तरह और 5 लाइक कर दीजिए और यहाँ में
20 लाइक तक पहुंचा दीजिए। थैंक यू सो मच भाई लाइक करके सपोर्ट करने के लिए। इसी तरह लाइक करो भाई को और सपोर्ट जरूर करो। मोहम्मद शरीफुल जी हमारे साथ यहाँ पर बांग्लादेश से जुड़े हुए हैं, हमारे साथ बहुत सारे भाई जुड़े हुए हैं। सभी ने अगर यहाँ पर कहना है कि भाई कौन सी स्टेट से आप जुड़े हुए हैं। इस बार अच्छी गेंद, फुल लेंथ बॉल था, बॉल को ड्राइव कर दिया मिड ऑफ के पास। सोफिया डिवाइन लगातार अच्छी गेंदबाजी करता हुआ। और यहाँ पर हमें आपको बता दें कि लाइक के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिएगा, क्योंकि अगले जो कुछ दिन है उसमें आपको यहाँ पर लगातार कमेंट्री सुनने को मिलेगा। इस बार लेग स्टंप के ऊपर बॉल था, फुल टॉस बॉल और यहाँ पर डीप फाइन लेग की तरफ खेल दिया है 4 रनों के लिए। ग्रीस हैरिस का ये छठा चौका और इसी चौके के साथ स्कोर जो है ब्रिस्बेन हिट का 68 रनों तक पहुंच चुका है। लगातार यहां पर अच्छी बल्लेबाजी देखने के लिए मिल रहा है और सोफिया डिवाइन थोड़ा सा परेशान होंगे क्योंकि यहां पर एक भी विकेट उनकी टीम में बॉलर होने नहीं निकाल पाई है। खुद अपने गेंदबाजी करने आए हैं, अगर खुद गेंदबाजी करने के बावजूद यहां पर विकेट नहीं निकाल पा रही है। ग्रीस हैरिस 34 रनों के स्कोर पे। तो भाई बने रहिए हमारे साथ लाइक जो लोग अभी तक नहीं किया है। राहुल राज जी बीरभूम से ब्रिस्बेन हिट वुमेन्स आज जीतेगा जरूर। अगली गेंद, इस ओवर की 5वीं गेंद, पैड पे लगी जोरदार अपील और मुझे लगता है यहां पर विकेट। जी हां, जिस विकेट की हम बात कर रहे थे वो विकेट निकाल लिया है सोफिया डिवाइन ने। ग्रीस हैरिस का विकेट, ये उनका इस बार भी 50 रन नहीं बन पाए हैं, 34 रनों के स्कोर पे LBW आउट हो चुके हैं। सोफिया डिवाइन की एक अच्छी गेंद थी और यहां पर ग्रीस हैरिस ने स्वीप करने की कोशिश किया था, टाइमिंग नहीं कर पाए, पूरी तरीके से बीट हो गए, पैड पे लगी और यहां पर LBW आउट हो चुके हैं। पहला विकेट 68 पे 1, 7 ओवर 5 गेंदों के बाद एक नींव खड़ा कर दिया है यहां पर ग्रीस हैरिस और रेड माइन ने। अगले जो बल्लेबाज आएंगे यहां पर बैटिंग करने के लिए उनके लिए बड़ा स्ट्रोक लेना बहुत आसान हो जाएगा क्योंकि एक स्टार्टिंग बहुत बढ़िया मिल चुका है। 10 ओवर में रन, शरीफ मोहम्मद शरीफुल जी अभी भी यहाँ पर रन 10 ओवर में कम से कम तो 85 रन अब पकड़ सकते हैं, 85 रन यहाँ पर बन सकते हैं। एक विकेट गिर जाने के बाद नया बैट्समैन आए हैं बॉल, जी हाँ बॉल आए हैं नए बैट्समैन। तो भाई हमारे साथ बने रहिए, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सोफिया डिवाइन कप्तान खुद अपने यहाँ पर विकेट निकाल लिया है, बहुत ही बड़ा विकेट यहाँ पर निकाला है कप्तान सोफिया डिवाइन ने। इस बार अगली गेंद, बहुत इस बार पैड पे लगने पैर की तरफ बॉल किया था, तेज गेंद और बॉल को बैट का एज लिया, बॉल चला गया कवर की तरफ, कोई रन नहीं, डॉट बॉल होता। तो भाई हमारे साथ बने रहिए, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेहतरीन मैच होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। ओवर 8 ओवर कंप्लीट हो चुके हैं, 8 ओवर के बाद यहाँ पर रन बने हैं भाई यहाँ पर। तो भाई हमारे साथ बने रहिए, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लगातार अच्छी गेंदबाजी चल रही है और जिस तरीके से ग्रीस हैरिस आउट हुई है, LBW 30 गेंदों पे 34 रन बना के आउट हुए हैं। और काफी अच्छी खेल रही थी और सोफिया डिवाइन की उस गेंद पे वो आउट हो गई। तो भाई हमारे साथ बने रहिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
फिर से एक बार देखना पड़ेगा भाई, बने रहिए, लाइक जरूर कीजिए। और एलिना किंग आए हैं बैटिंग या बॉलिंग करने के लिए। इस ओवर की दूसरी गेंद, बॉल को खेल दिया प्रेस्टिजियस ने, कोई रन नहीं, डॉट बॉल होता हुआ। 8 ओवर 2 गेंद हो चुके हैं, यहाँ पर सिंगल लिया है भाई, यहाँ पर सिंगल लिया है और इसी सिंगल के साथ स्कोर जो है 69 रन बन चुका है 1 विकेट के नुकसान पे। पहला विकेट गिर जाने के बाद रन की गति जो है वो थोड़ा सा कम हुई है। जॉर्जिया प्रेस्टिजियस की अगर बात करें तो प्रेस्टिजियस जो है यहाँ पर रेड माइन, जॉर्जिया रेड माइन एंड वॉली, जी हाँ वॉली आए हैं, जॉर्जिया वॉली आए हैं बैटिंग करने के लिए। जॉर्जिया वॉली की बात करें तो अच्छी बल्लेबाज है। और यहाँ पर बात करें कि 34-35 रन इनसे आप उम्मीद कर सकते हैं। पिछली मैच 5 सॉकर्स के खिलाफ 12 रन बना पाई थी, मगर आज मौका मिला है, आज बहुत बड़ा मौका है। यहाँ पर चौका, मौके के ऊपर यहां पर चौका लगाता हुआ वॉली, मौका जहां मिला चौके से शुरुआत किया और इसी चौके के साथ स्कोर जो है 73 रनों तक पहुंच चुका है 8 ओवर 4 गेंदों के बाद। फिर से एक बार बॉलिंग करता हुआ इस ओवर की अगली गेंद, बॉल को खेल दिया है लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ की तरफ, फील्डर मौजूद है वहां पर, कोई रन नहीं, डॉट बॉल होता हुआ। लाइक जरूर करे भाई, लाइक का मतलब होता है सपोर्ट, सपोर्ट हमें जरूर करे। स्कोर क्या होगा, राहुल राज जी जीतला भाई हमें, चलिए भाई बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सो मच भाई लाइक करके सपोर्ट करने के लिए। इसी तरह लाइक करो और सपोर्ट करो भाई। राहुल राज जी स्कोर क्या होगा, मुझे लगता है 140-145 रन बन सकते हैं, जिस तरीके से यहां पर विकेट नहीं जा रहे हैं और लगातार बैट्समैन जो है कोई दिक्कत नहीं हो रही है खेलने में। ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 9 ओवर के बाद 73 रन 1 विकेट के नुकसान पे। एक ओवर है और एक ओवर में 80 रन तो बनने चाहिए भाई, यहाँ पर ब्रिस्बेन हीट के 10 ओवर में 80 रन तो बनने चाहिए। अब देखना होगा कि कितने रन बनते हैं। तो हमारे साथ जितने भी भाई जुड़े हुए हैं सभी को बोलूंगा भाई लाइक जरूर करें, लाइक का मतलब होता है सपोर्ट, सपोर्ट हमें जरूर करें और चैनल पर भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। काफ़ी बेहतरीन मैच होता हुआ यहाँ पर, जॉर्जिया रेड माइन 28 रनों के स्कोर पे और यहाँ पर बैटिंग कर रहे हैं वॉली, जो कि 4 रन चौके से शुरुआत किया है। तो भाई बने रहिए, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर दबाए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेहतरीन मैच यहां पर दिखाई दे रहा है। अब देखना होगा 160 प्लस है सर जी, चलिए देखते हैं। राहुल राज जी आपका भी वो तो नजदीक गया था जब 6 ओवर में आप 52 रन बने थे, उसके बाद आप 56 रन बने थे, मगर 50 रन जरूर हुआ था। कवि चौधरी जी कह रहे हैं 78-2 होंगे, मगर एलिना किंग है था ग्रेहम की गेंद, पहली गेंद और पहली गेंद पे ही यहाँ पर कोई रन नहीं, डॉट बॉल होता हुआ, रेड माइन है स्ट्राइक पे। तो चलिए देखते हैं, कवि चौधरी जी कह रहे हैं 78-2, अब देखना होगा यहाँ पर 73-1 है 10 ओवर में। और इस बार फ्लाइटेड गेंद थी, स्टैंप आउट मिस किया है यहाँ पर विकेट कीपर ने, विकेट कीपर ब्रिज यहाँ पर 5 सॉकर्स की विकेट कीपर जो बेथ मुनी है, उन्होंने पिछली मैच में भी हम लोगों ने देखा था कि विकेट कीपिंग काफी खराब किया था पहली हाफ में। इस बार बॉलिंग करता हुआ, बॉल को छोटी गेंद थी, पुल कर दिया है बॉल को डीप स्क्वायर लेग की तरफ, 1 रन मिलेंगे। पिछली मैच में भी हम लोगों ने देखा था बेथ मुनी जो है पहला मौका था उसमें बहुत सारी मिस स्टैम्प किया था, कैच मिस छोड़ा था, मगर आज भी एक स्टैंप आउट का चांस बना था जो कि मिस किया है बेथ मुनी ने। रेड माइन है बैट्समैन और यहाँ पर सिंगल लिया है, तो सिंगल लेके यहाँ पर वॉली बॉल, जी हाँ जॉर्जिया वॉल है स्ट्राइक पे और सामना करेंगे एलिना किंग की गेंदबाजी का। एलिना किंग फिर से बॉलिंग करता हुआ इस ओवर की दूसरी यहाँ पर चौथी गेंद, ऑफ स्टैंप पे बॉल था, कट कर दिया है बॉल को बैकवर्ड पॉइंट की तरफ, 4 रन जी नहीं, वहां पर बेहतरीन फील्डिंग, ड्राइव करके बॉल को रोका है, 2 रन तो आराम से कंप्लीट करता हुआ और इसी 2 रनों के साथ स्कोर जो है 76 रन बने हैं 1 विकेट के नुकसान पे 9 ओवर 4 गेंदों के बाद। कमाल लोधी जी कह रहे हैं 153-5 होंगे, मुझे लगता है 140 से 145 के बीच रन बनेंगे भाई, देखते हैं 150 रन भी बन सकते हैं। कमाल लोधी जी, हाय सर जी भाई, कमाल लोधी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाई, थैंक यू सो मच भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए।
अलीना किंग की अगली गेंद, मिडिल स्टंप का बॉल, विकेट विकेट बॉल डाला था इस बार, खेल दिया है कवर की दिशा में, मगर रन तो यहां पर नहीं मिलेंगे भाई, डॉट बॉल होता हुआ। बने रहिए भाई हमारे साथ, बहुत सारे भाई जुड़ चुके हैं और यहाँ पर सिर्फ 15 लाइक आए हैं और हम उम्मीद करेंगे जितनी जल्दी है आप लोग 20 लाइक तक पहुंचा दे हमें। अलीना किंग इस ओवर की आखिरी गेंद और सामना करेंगे इस बार जॉर्जिया वॉल। फ्लाइटेड गेंद, खेलने की कोशिश किया था हवा में, मगर बॉल बैट का किनारा लिया चला गया डीप स्क्वायर लेग की तरफ। एक ही रन मिलेगा जहां पर हैदर नाइट वहां पर हैदर ग्रहम जो भी यहां पर फील्डिंग किया है एक रन, और इसी एक रन के साथ 10 ओवर में 77 रन एक विकेट के नुकसान पे। कवि चौधरी जी आप कहते थे 78 रन, मगर 78 तो नहीं बने हैं, 77 बने हैं, नजदीक गए हैं और एक विकेट नहीं गिरा है। तो बहुत अच्छी तरीके से बैटिंग करता हुआ यहाँ पर रेड माइन एंड वॉल। रेड माइन 111 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रही है और 26 गेंदों पे 129 रनों की स्कोर पे है। दूसरी तरफ एलिना किंग की बात करें तो पिछली मैच में एलिना किंग ने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी किया था, 2 विकेट इन्होंने ब्रिस्बेन हीट के खिलाफ लिया था, मगर पिछली मैच ब्रिस्बेन हीट के खिलाफ पिछला मैच जो था वो उसमें 2 विकेट निकाले थे। तो आज भी हम यहां पर उम्मीद करेंगे कि एलिना किंग बाकी के 2 ओवर में विकेट लेंगे। अब तक यहां पर 5 बॉलर को यूज किया है सोफिया डिवाइन कप्तान, 5 सॉकर्स की मार्जिनी कैप, 3 ओवर डाले हैं। इस बार भी इनको पहले हाफ में विकेट नहीं मिला है, कोई 19 रन दे चुके हैं, थोड़ा सा महंगे साबित हुए। पास्टेल काफ़ी महंगे साबित हुए हैं, 2 ओवर में 27 रन दिए, 13 का इकोनॉमी रेट है। सोफिया डिवाइन की बात करें तो सोफिया डिवाइन ने 2 ओवर डाले हैं, 11 रन देके 1 विकेट निकाले हैं। तो भाई हमारे साथ जो भाई बने हुए हैं सभी को बोलेंगे भाई लाइक जरूर करें। एलिना किंग ने 2 ओवर डाले हैं, 13 रन दिए हैं, 6.5 की इकोनॉमी रेट है। हैदर ग्रहम ने 1 ओवर डाले हैं, 5 रन दिए हैं। तो भाई हमारे साथ जितने भी भाई जुड़े हुए हैं सभी को बोलेंगे भाई लाइक जरूर करें और चैनल पर भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो भाई बने रहिए, लाइक जरूर कीजिए, थैंक यू सो मच भाई लाइक करके सपोर्ट करने के लिए। 5 सॉकर सोमन ने आज टॉस जीता, टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और यहां पर हैदर ग्रहम की गेंद बॉलर के बगल से निकाला है लॉन्ग ऑन की तरफ, ड्राइव लगा के बॉल को रोका गया है। एक रन लेता हुआ जॉर्जिया रेड माइन पहुंच चुके हैं 29 रनों की स्कोर पे। 11 ओवर की ये पहली गेंद है, 11वें ओवर की ये पहली गेंद है। तो हमारे साथ जो भाई बने हुए हैं सभी को बोलूंगा भाई लाइक जरूर करें और सिर्फ 4 लाइक दूर है यहाँ पर 20 लाइक से, तो जल्दी से जल्दी भाई 20 लाइक पूरा कर दे और चैनल पर दबा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। काफी बेहतरीन मैच होता हुआ यहाँ पर, इस बार 2 रन काफी जल्दी जल्दी यहाँ पर 2 रन निकाले हैं रेड माइन ने। लाइक का मतलब होता है सपोर्ट भाई। हैदर ग्रहम बॉलिंग करता हुआ इस ओवर की 3री गेंद और सामना करेंगे इस बार जॉर्जिया रेड माइन। इस बार ऑफ स्टंप पे पिच हुई गेंद पॉइंट की तरफ खेला, कोई रन नहीं, डॉट बॉल होता हुआ। अच्छी यहाँ पर बल्लेबाजी चल रही है और कोई भी दिक्कत नहीं है हो रही है बल्लेबाजी बल्लेबाज को बैटिंग करने के लिए। दोनों ही जो बल्लेबाज है यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन तरीके से खेलता हुआ सोफिया रेड, यहाँ पर रेड माइन जॉर्जिया रेड माइन। इस बार मिडिल स्टंप का बॉल, स्लोअर बॉल था, काफ़ी चतुराई से बॉलिंग करता हुआ यहाँ पर हैदर ग्रहम, डॉट बॉल होता हुआ। और इसी डॉट बॉल के साथ स्कोर जो है 80 तक पहुँच चुका है 10 ओवर 4 गेंदों के बाद। तो भाई हमारे साथ जितने भी भाई जुड़े हुए हैं सभी को बोलूंगा भाई लाइक जरूर करें और चैनल पर दबा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर से एक बार हैदर ग्रहम इस ओवर की 5वीं गेंद बैकपुट में जाकर इस ओवर को खेल दिया है बैकवर्ड पॉइंट की तरफ, सिंगल लेता हुआ और इसी सिंगल के साथ स्कोर जो है धीरे धीरे बढ़ता हुआ 81 रन बन चुका है। तो भाई हमारे साथ जितने भी भाई जुड़ चुके हैं सभी को बोलूंगा भाई और 4 लाइक दूर है यहाँ पर 20 लाइक से। तो यहाँ पर जल्दी से जल्दी भाई देखते हैं कितनी भी भाई है जो यहाँ पर लाइक करके हमें सपोर्ट करते हैं। रन उतने खास नहीं बने हैं, 11 ओवर के बाद 81 रन बने हैं एक विकेट के नुकसान पे।
अब देखना होगा कि बाकी के चार ओवर 15 ओवर तक कितने रन बनते हैं, उसके बाद ही पता चलेगा कि यहाँ पर 20 ओवर के बाद कितने रन बना पाएगा ब्रिस्बेन हीट। एक अच्छी बात है कि एक सिर्फ एक विकेट गया है, वो गया है भाई यहाँ पर जो एकमात्र विकेट गया है वो गया है ग्रिस हैरिस का, 34 गेंदों पर 34 रन बना के आउट हुई है। जेस जॉनसन आज फर्स्ट डाउन पर नहीं आई है, उनकी जगह पर बॉल आई है बैटिंग करने के लिए। अब देखना होगा कि ग्रेहम, जी हाँ हैदर ग्रेहम ने दो ओवर डाली हैं, 7 रन दिया है। नेक्स्ट बॉलर किसको दिया जाता है, स्पिन अटैक दिया है सोफिया डिवाइन नहीं आई है, स्पिन अटैक एलिना किंग आई है शायद बॉलिंग डालने के लिए। एलिना किंग बॉलिंग करता हुआ राइट आर्म ओवर द विकेट, इस बार हवा में खेल दिया है बॉल को। देखना होगा डीप मिड विकेट पर फील्डर है कि नहीं, वन बाउंस फील्डर के पास पहुंचा है, एक ही रन मिलेगा और इसी एक रन के साथ स्कोर जो है धीरे धीरे बढ़ता हुआ 82 रनों तक पहुंच चुका है एक विकेट के नुकसान पे। तो कभी कमाल का बैटिंग चलता हुआ यहाँ पर 11 ओवर एक गेंद 82 रन। अब देखना होगा कि यहाँ पर जो बॉलर्स हैं वो कैसे रोक लगा पाते हैं। जॉर्जिया वॉल है स्ट्राइक पे, एलिना किंग अपना 3रा ओवर करती हुई क्या अब यहाँ पर ब्रेक थ्रू दिला पाएगी, इस बार आगे निकल के आई है, बॉल को खेल दिया है मिड ऑफ के बगल से, 4 रन मिल जाएंगे और यहाँ पर वॉल का वॉली स्टार्ट हो चुका है। कमाल का शॉट खेला इस बार, मिड ऑफ के ऊपर से खेल दिया था 4 रनों के लिए। तो भाई हमारे साथ जितने भी भाई बने हुए हैं सभी को बोलूंगा लाइक जरूर करें और चैनल पर दबाए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेहतरीन चौका लगाया है तो भाई, और एक लाइक तो यहाँ पर 3 लाइक दूर है यहाँ पर 20 लाइक तक पहुंचने के लिए। फिर से एक बार एलिना किंग राइट आर्म ओवर द विकेट, बॉल लगता हुआ ऑफस्टंप से बाहर, बॉलर आगे निकल के कट कर दिया है बॉल को, एक्स्ट्रा कवर रीजन में एक ही रन मिलेगा और इसी एक रन के साथ स्कोर जो है धीरे धीरे बढ़ता हुआ। यहाँ पर क्या हुआ भाई, थोड़ा सा गलत पड़ गया था, एक रन बन चुका है 11 ओवर 3 गेंदों के बाद स्कोर जो है 87 रन बने हैं एक विकेट के नुकसान पे। तो भाई बने रहिए हमारे साथ, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। रेड माइनी बहुत देर से खेल रही है, 31 गेंदों पर 100 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करता हुआ लगातार डॉट बॉल खेल रही है और उम्मीद है कि यहाँ पर रेड माइनी की बल्ले से जो है एक 50 रन देखने के लिए हम लोग बेकरार है भाई। अलीना किंग इस बार राउंड द विकेट, मिडिल स्टंप का बॉल पुल कर दिया है बॉल को डीप मिड विकेट की तरफ, 2 रन की मांग है और यहाँ पर सिंगल लिया है। 5 सॉकर्स की अगर बात करें तो काफी एवरेज बॉलिंग चल रही है दोनों पार्ट सॉकर्स की। पिछली मैच में जिस तरीके से जिस अंदाज से बॉलिंग किया था उसको देखा जाए तो इस मैच में उतनी खास गेंदबाजी देख नहीं पाई है। एलिना किंग आज एक भी विकेट, 3 ओवर ये इनका 3रा ओवर है मगर अभी तक एक भी विकेट ये निकाल नहीं पाई है। एकमात्र विकेट जो निकाले हैं वो सोफिया डिवाइन ने और यहाँ पर ग्रिस हैरिस को LBW आउट किया था, उसके बाद एवरेज बॉलिंग चल रही है। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर बॉल, बहुत सारी रूम मिला था कट कर दिया है बॉल को, एक रन मिलेगा और इसी एक रन के साथ ओवर की समाप्ति, 12 ओवर के बाद 99 रन बने हैं एक विकेट के नुकसान पे। तो भाई हम सभी को बोलेंगे भाई लाइक जरूर करें, लाइक का मतलब होता है सपोर्ट हमें जरूर करें और चैनल पर दबाए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। बेहतरीन मैच होता हुआ यहाँ पर, थैंक यू सो मच भाई लाइक करके सपोर्ट करने के लिए। इसी तरह भाई लाइक करो और सपोर्ट करो भाई को, थैंक यू सो मच भाई लाइक करके सपोर्ट करने के लिए। 20 लाइक से और 2 लाइक दूर है यहां पर, बेहतरीन मैच होता हुआ नजर आ रहा है। 99 रन बने हैं एक विकेट के नुकसान पे 12 ओवर के बाद। देखना होगा कि जॉर्जिया वॉल जो कि 14 रनों की स्कोर पे खेल रही है और बॉलिंग पे फिर से एक बार तब्दीली, बॉलिंग पे नए बॉलर्स आए हैं, स्पिन अटैक दूसरी छोर से भी डाला गया है। इस बार पुल कर दिया है, मिडिल स्टंप का बॉल था, बॉल चला गया है डीप मिड विकेट की तरफ, 4 रन मिल जाएंगे या नहीं देखना होगा। आखिरी मोमेंट पे बॉल को रोका गया था मगर मुझे लगता है कि 4 रन, जी हाँ चौका नहीं मिला है, 2 रन मिले हैं भाई, 2 रन मिले हैं और इसी 2 रन के साथ स्कोर जो है बन चुका है भाई 91 रन, 91 रन बने हैं एक विकेट के नुकसान पे, 2 रन मिले हैं भाई, चौका नहीं हुआ है और 4 रन, जी हां यहां पर अब अंपायर ने डिसीजन दिया है 4 रन।
क्या उमदा शॉट लगाया था, क्या काफी कमाल का शॉट लगाया था। इस बार फिर से एक बार डीप मिड विकेट की तरफ खेला था, इस बार फील्डर के हाथ में खेल दिया है, कोई रन, एक ही रन मिलेगा और इसी एक रन के साथ स्कोर जो है 12 ओवर दो गेंदों के बाद 94 रन एक विकेट के नुकसान पे। हंड यहां पर कोई रिपोर्ट नहीं चाहिए भाई। लिली मिल्स को बहुत लेट, बहुत देर बाद बॉलिंग पे बुलाया गया है। लिली मिल्स को ये विकेट ले सकते हैं। फिर से एक बार लिली मिल्स बॉलिंग करता हुआ, इस बार रेड माइन को ओवर द विकेट बॉल करता हुआ, बाएं हाथ को खिलाड़ी को ओवर द विकेट फ्लाइटेड गेंद, हाँ में खेल दिया है बॉल को और वन बाउंस डीप मिड विकेट के फील्डर मौजूद, एक ही रन मिलेगा। लगातार ये सिंगल ले रहे, बड़ा शॉट नहीं लग रहा है, बहुत देर हो गया है। यहाँ पर इस ओवर की पहली गेंद पे चौका आया था, उसके बाद बहुत ही अच्छी कमबैक किया है यहाँ पर लिली मिल्स। पिछली मैच में इनको विकेट मिला था, तो देखना होगा कि आज यहाँ पर विकेट ले पाती है कि नहीं लिली मिल्स। इस बार राउंड विकेट बॉल करता हुआ, बॉल को राइट आर्म राउंड विकेट, इस बार मिडिल स्टंप का बॉल, टप्पा खाया थोड़ी उछाल के साथ, स्क्वायर डीप स्क्वायर लेग की तरफ खेल दिया है शॉट को। लगातार यहां पर सिंगल लेते हुए और इसी सिंगल के साथ स्कोर जो है 96 रन बन चुके हैं एक विकेट के नुकसान पे। अब जिस तरीके से यहां पर मैदान पे मैच चल रहा है, इसको देख के लग रहा है कि आराम से, जिस तरीके से मुझे कहा था लोधी जी ने 153 रन बनेंगे, 150 से ऊपर तो रन बनने चाहिए। फिर से एक बार मिडिल स्टंप का बॉल पुल कर दिया है डीप स्क्वायर लेग की तरफ 4 रनों के लिए, भाई कमाल का शॉट यहां पर रेड माइनी की और इसी चौके के साथ ब्रिस्बेन हीट ओमेंस का 100 रन भी पूरा हो गया है एक विकेट के नुकसान पे। तो भाई बने रहिए हमारे साथ, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर दबाए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और सिर्फ 2 लाइक दूर है यहां पर 20 लाइक से और सिर्फ 2 लाइक दूर है। तो क्या लगता है भाई, आप लोग कितनी जल्दी यहां पर 2 लाइक और पूरा कर देंगे? हमारे साथ बने रहिए भाई, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर दबाए चैनल को सब्सक्राइब पे जरूर कीजिएगा। काफी अच्छी मैच चल रहा है यहां पर, काफी कमाल का मैच चल रहा है। तो भाई जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया भाई, सभी को बोलूंगा लाइक करो और चैनल पर दबाए चैनल को सब्सक्राइब करो। और दूसरी छोर से यहाँ पर फिर से एक बार मीडियम फास्ट बॉलर को बुलाया गया, 160 बोला था मैंने, जी हाँ राहुल राज जी ने 160 बोला था। तो मुझे भी लगता है कि जिस तरीके से अभी फिलहाल मैच चल रहा है 13 ओवर के बाद 101 रन बने हैं एक विकेट के नुकसान पे, उसको देखते हुए लग रहा है अगर यहां से अगर और विकेट नहीं गिरेंगे तो यहां पर 160 रन बन जाएंगे। 13 ओवर हो चुके हैं मगर मुझे नहीं लगता कि 160 रन बन पाएंगे। बॉल हवा में है देखना होगा, जी हाँ बॉलर के सर के ऊपर से खेल दिया था इस बार, वन बाउंस सीमा रेखा के बाहर, 4 रन चौका, जी हाँ वन बाउंस 4 रनों के लिए और इसी चौके के साथ स्कोर जो है 105 रनों तक पहुंच चुका है एक विकेट के नुकसान पे। तो भाई बने रहिए हमारे साथ, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर दबाए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर से एक बार बॉलिंग करता हुआ, इस ओवर की अगली गेंद, मीडियम फास्ट बॉलर है, राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल करता हुआ, इस बार फ्लाइटेड गेंद थी, ऊपर खेल दिया मिड ऑफ के ऊपर से, फिर से एक चौका भाई, फिर से बैक टू बैक चौका लगाता हुआ, 107 रन बने एक विकेट के नुकसान पे। क्या कमाल की शॉट लगाई है यहां पर जॉर्जिया रेड माइन ने, सीमांता बेट्स आई है भाई बॉलिंग डालने के लिए, बेट्स की गेंद पे यहाँ पर चौका लगाया है, दो चौके, पहली गेंद पे चौका नहीं लगा था, 2 रन बने थे और इस बार चौका लगाया है, 13 ओवर 2 गेंदों के बाद 107 रन, भाई कमान की गेंदबाजी या बल्लेबाजी यहाँ पर रेड माइन का। इस बार स्लोअर बॉल था, बॉल को हल्के बैटों से खेल दिया, पॉइंट की दिशा में 1 रन लेंगे, स्ट्राइक रोटेट करते रह रहे हैं, काफी कमाल की बैटिंग आज देखने के। और ये पिच जो है मुझे लगता है कि बैटिंग पिच है क्योंकि दोनों बल्लेबाज को यहाँ पर कोई परेशानी नहीं हो रही है बैटिंग करने में। 157 रन टोटल, संदीप कुमार जी हमारे साथ फिर से एक बार जुड़ चुके हैं, थैंक यू सो मच भाई संदीप कुमार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इसी तरह जुड़े रहिएगा। 157 रन मुझे लगता है कि बन जाना चाहिए क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर बल्लेबाजी चल रही है उसको देखते हुए लग रहा है कि बॉल 20 रनों के स्कोर पर खेल रही है, जहाँ पर रेड माइन
45 रनों के स्कोर पे। सीमांता बेट्स इस ओवर की चौथी गेंद और सामना करेंगे जॉर्जिया वॉल। इस बार दाहिने हाथ के खिलाड़ी को ओवर द विकेट बॉल करता हुआ स्वर बॉल था, पुल कर दिया बॉल को 4 रनों के लिए। क्या कमाल का शॉट लगाया इस बार, और इसी चौके के साथ स्कोर जो है बन चुका है 112 रन एक विकेट के नुकसान पे। कमाल का चौका, और इसी चौका भाई क्या कमाल का चौका लगाया यहाँ पर जॉर्जिया वॉल ने। आज मौका मिला है जॉर्जिया वॉल को अपनी हुनर दिखाने का। पिछली मैच में खास रन नहीं कर पाई थी, शायद 12 या 10 या 12 रन बनाई थी, मगर आज एक काफी कमाल का बैटिंग करता हुआ जॉर्जिया वॉल। इस बार ऑफ स्टंप पे बॉल था, बॉल को खेल दिया है डीप मिड विकेट की तरफ और फील्डर मौजूद है, और यहाँ पर जॉर्जिया बॉल आउट होता हुआ दूसरा विकेट गिरता हुआ ब्रिस्बेन हीट ओमेंस का। जॉर्जिया बॉल को लॉन्ग ऑन पे कैच ले लिया गया है। अब देखना होगा कि कैच लेने वाला कौन खिलाड़ी कौन है। 17 गेंदों पे 24 रन बना के जॉर्जिया वॉल आउट होता हुआ दूसरा विकेट यहाँ पर ब्रिस्बेन हीट का। तो भाई लाइक जरूर करो, और लाइक का मतलब होता है सपोर्ट, सपोर्ट हमें जरूर करो भाई। जॉर्जिया बॉल 24 रन बना के आउट हो चुकी है, उनका कैच लिया, देखना होगा लॉन्ग ऑन पे कैच लिया गया है। सीमांता बेट्स आते ही एक ब्रेक थ्रू दिलाई है। महंगा जरूर हुए हैं इस ओवर में, अभी तक 10-11 रन दे चुके हैं, मगर एक कीमती विकेट जॉर्जिया वॉल का यहाँ पर निकाल लिया है। तो भाई जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया, भाई पास्चेल ने कैच लिया है, लॉन्ग ऑन पे पास्चेल मौजूद थे और उन्होंने कैच लिया है। तो भाई जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया भाई सभी को बोलूँगा लाइक करो, और चैनल पर दबा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। सीमांता बेट्स फिर से एक बार बॉलिंग करता हुआ इस ओवर की आखिरी गेंद रेड माइंड को, लेग स्टंप पे पिच हुई गेंद, बॉल को फ्लिक कर दिया है, बॉल चला गया है थर्ड मैन की तरफ, फील्डर ने बॉल को रोका और यहाँ पर 2 रन कंप्लीट करता हुआ, और इसी 2 रनों के साथ स्कोर जो है 14 ओवर के बाद 114 रन 2 विकेट के नुकसान पे। तो भाई बने रहिए हमारे साथ, लाइक जरूर कीजिए। और सीमांता बेट्स ने इस ओवर में 13 रन दिए हैं, मगर एक बहुत कीमती विकेट उन्होंने निकाल लिया है। नए बैट्समैन आए हैं क्रिमिनेंस, और क्रिमिनेंस की बल्लेबाजी का अगर बात करें राइट हैंडेड बैट्समैन है, और द 100 क्रिकेट में उन्होंने बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी किया था। बिग बैश लीग 2020 में भी इनकी बल्ले से थोड़ा बहुत रन हमें देखने के लिए मिला था। तो आज यहाँ पर देखना होगा कि एक मौका है यहाँ पर क्रिमिनेंस को एक बड़ी इनिंग्स खेलने का, क्योंकि अभी भी 6 ओवर बाकी है, और 6 ओवर में आप बहुत ज़्यादा रन बना सकते हैं, 114 को 154 पर सीमित यहाँ पर बना सकते हैं, 40 रन जोड़ सकते हैं 6 ओवर में। तो आपको क्या लगता है कितने रन बनेंगे भाई? संदीप कुमार जी, सर कैसे हो, नाश्ता हो गया भाई? कब का नाश्ता हो गया है, और मैं आप लोगों के साथ बना हुआ हूँ, और उम्मीद करूँगा कि आप भी हमारे साथ बने रहेंगे। मार्जिनी कैफ आई बॉलिंग डालने के लिए, आखिरी ओवर पहली गेंद पे ही उठा दिया है क्रिमिनेंस ने बॉलर के सर के ऊपर से, और ये पर मुझे लगता है कि 6 रनों के लिए भाई कमाल का छक्का लगाता हुआ यहाँ पर क्रिमिनेंस। पहली गेंद थी यहाँ पर मार्जिनी कैफ की, और पहली गेंद पे यहाँ पर छक्का लगाता हुआ, और इसी छक्के के साथ स्कोर 120 तक पहुँच चुका है। भाई कमाल का शॉट लगाया है यहाँ पर क्रिमिनेंस ने। नए बल्लेबाज सेट होने, मतलब लग रहा है कि जो ड्रेसिंग रूम से यही सेट होके आए हैं। क्रिमिनेंस फिर से एक बार सामना करेंगे मार्जिनी कैफ की गेंदबाजी का। 175 परवेज हक जी कह रहे हैं 175 होगा, भाई कुछ भी रन बन सकते हैं। जिस तरीके जिस अंदाज से यहाँ पर बैटिंग चल रही है, बैट्समैनों को कोई दिक्कत नहीं हो रही है, बड़ा शॉट लग रहा है, और अच्छी खासी यहाँ पर रेड माइन भी बने हुई है 47 रनों के स्कोर पे। क्रिमिनेंस सामना करेंगे फिर से एक बार मार्जिनी कैफ का, सारे फील्डर बाउंड्री लाइन पे लगाया दिया गया है। मार्जिनी कैफ की गेंद इस बार ओवर द विकेट बॉल करता हुआ, ओ अच्छी बाउंसर बॉल, वाइड बॉल दिया है अंपायर ने, बाउंसर बॉल शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल डाला था, अच्छी बाउंसर, मगर यहाँ पर अंपायर ने वाइड बॉल दिया है, और इसी वाइड के चलते एक अतिरिक्त रन स्कोर बोर्ड पर जुड़ेगा। तो भाई लाइक करो, और 2 लाइक दूर है यहाँ पर 25 लाइक से। भाई थैंक यू सो मच भाई यहाँ पर 23 लाइक तक पहुँचाने के लिए, मैंने देखा ही नहीं था कि आप लोग भाई लोग प्यार दिया है इतना, 23 लाइक तक पहुँचा दिया है। मार्जिनी कैफ है फिर से एक बार, शरद टरद जी बहुत बढ़िया कमेंट्री, थैंक यू सो मच भी शरद जी।
इस बार बॉल को खेलने की कोशिश किया था मगर सीधा विकेट कीपर के पास गया है, कोई रन नहीं, डॉट बॉल होता हुआ। क्यों भाई यहाँ पर परवेश जी क्यों गया भाई यहाँ पर, तो ब्रिस्बेन हीट आज जीतेगा मुझे लगता है, क्योंकि जिस अंदाज से यहाँ पर रन बन रहे हैं मुझे लगता है कि कम से कम 154-155 रन तो आराम से बन जाना चाहिए। 119 रन बने हैं दो विकेट के नुकसान पे। फिर से एक बार बॉलिंग करता हुआ मार्जिनी कैप, हार्ड हिट करने की कोशिश, बॉल को खेल दिया है डीप मिड विकेट की तरफ, फील्डर दौड़ के फील्ड किया है, दो रन की कॉल मगर यहां पर सिंगल मिलेगा, अच्छी थ्रो, एक ही रन मिले और इसी एक रन के साथ स्कोर जो है 120 तक पहुंच चुका है दो विकेट के नुकसान पे 14 ओवर 3 गेंदों के बाद। पार्थ लिया था, जी हाँ भाई पार्थ का चांस अभी भी नहीं गया है, पार्थ के पास बहुत लंबी बैट्समैन मौजूद है, बैटिंग लाइनअप है और यहाँ पर देखिए 150 के अंदर अगर रोक सकते हैं पार्थ, 140 से 45 के अंदर अगर रोक सकते हैं तो यहाँ पर पार्थ सॉकर्स की उम्मीद है, मगर 160-165 ज़्यादा स्कोर बन जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। इस बीच कोई रन नहीं, डॉट बॉल होता हुआ और 14 ओवर 4 गेंदे हो चुके हैं, 14 ओवर 4 गेंदे हुए 120 रन। भाई अभी भी यहाँ पर मौका है पार्थ को रोकना होगा 150 के अंदर, 150 के ऊपर अगर रन बन जाते हैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी पार्थ सॉकर्स को, क्योंकि वो चेजिंग करना बहुत दिक्कत होता है इस ग्राउंड पे। रेड माइंड राउंड द विकेट बॉल करता हुआ, पुल कर दिया है, छोटी गेंद थी खेल दिया है, इस बार फाइन लेग की तरफ, कोई रन यहाँ पर सिंगल लेता हुआ, लगातार अच्छी गेंदबाजी चल रही है। और बात करें जिस अंदाज से पहले हाफ में हम लोगों ने रन देखा था, 14-12-13 ओवर तक रन देखे थे, उससे तो थोड़ा सा कम रन मिला है इस ओवर में। थैंक यू सो मच भाई लाइक करके सपोर्ट करने के लिए, अब इसी तरह भाई लाइक करो और सपोर्ट करो भाई को, काफ़ी बेहतरीन गेंदबाजी चल रही है। इस ओवर की आखिरी गेंद मार्जिनी कैप, बॉलिंग करता हुआ फुल टॉस दिया किमिनेंस को, भाई गलत शॉट और यहाँ पर वन बाउंस फील्डर के पास, एक ही रन मिलेगा, फायदा नहीं उठा पाए फुल टॉस गेंदबाजी का। और इसी के साथ अब 15 ओवर कंप्लीट हो चुके हैं, 122 रन दो विकेट के नुकसान पे, 15 ओवर के बाद 122 रन बने हैं दो विकेट के नुकसान पे। यहां पर किमिनेंस जो कि 6 रनों के स्कोर पे खेल रहे हैं और रेड माइन 48 रन बना के खेल रही है, और आज क्या पारी खेला है रेड माइन ने, 42 गेंदों पे इन्होंने 48 रन बनाए हैं, 6 चौके की मदद से, एक भी छक्का नहीं लगा है इनकी बल्ले से, तो आज इन रेड माइन की बल्ले से हमें 50 रन जरूर देखने के लिए मिल सकता है। बहुत अच्छी कमेंट परवेज जी रहे हैं, लव फ्रॉम बांग्लादेश, भाई परवेज हक जी हमारे साथ बांग्लादेश से जुड़े हुए हैं और थैंक यू सो मच भाई हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, और इसी तरह भाई लाइक करो और सपोर्ट करो भाई को, काफी बढ़िया मैच चल रहा है। आपकी चैनल बहुत पहले सही सब्सक्राइबर हुआ, जी हाँ भाई मैं तो बहुत 100% यहाँ पर आता हूँ, हर रोज आने की कोशिश करता हूँ। इस बार किमिनेंस की बल्लेबाजी से यहाँ पर देखना होगा, वो कैच मिस कर दिया भाई, लॉन्ग ऑन पे एक कैच छूटा है किमिनेंस ने, बहुत स्टेप आउट करके बड़ा लंबा शॉट लगाया था, कैच छूटा है, सोफिया डिवाइन जो कि कप्तान है वो बॉल किया था, स्लोअर बॉल था, लॉन्ग ऑन पे कैच छूटा है, एक रन जरूर मिला है मगर एक अच्छा चांस था जो कि छूट गया है। इस ओवर की दूसरी गेंद सामना करेंगे रेड माइन, क्या 50 रन पूरा करवाएगा इस गेंद पे, सोफिया डिवाइन की गेंद, काफी बेहतरीन गेंद मगर 22 रन मिले हैं और इसी एक रन के साथ स्कोर जो है 125 तक पहुंच चुका है। देखते हैं सोफिया डिवाइन की गेंदबाजी में विकेट मिलते हैं कि नहीं, क्योंकि यहां पर संदीप कुमार जी कह रहे हैं कि यहां पर विकेट मिलना चाहिए। हमारे साथ आज बहुत सारे भाई जुड़ चुके हैं, थैंक यू सो मच भाई जुड़ने के लिए, और सिर्फ यहां पर 2 लाइक जरूरत है 30 लाइक तक पहुंचने के लिए। देखना होगा सोफिया डिवाइन फिर से एक बार बॉलिंग के लिए तैयार, सामना करेंगे रेड माइन, हाँ में खेल दिया है बॉल को और यहाँ पर वन बाउंस, एक ही दो रन मिलेंगे और इसी दो रनों के साथ स्कोर जो है धीरे धीरे 127 तक पहुँच चुका है। भाई रन की गति जो है थोड़ा सा कम हुआ है सोफिया डिवाइन की गेंदबाजी में।
श्याम प्रसन्न सरकार, भाई श्याम प्रसन्न सरकार हमारे जुक्त होनी लिखे कि तार चार दरकार भाई यहाँ पर स्ट्राइक पे है रेड माइन, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि चौका जरूर आ जाएगा। सोफिया डिवाइन इस ओवर की चौथी गेंद, राउंड द विकेट बॉल करता हुआ और खेल दिया इस बार डीप मिड विकेट की तरफ, फील्डर मौजूद वन बाउंस फील्डर के पास, भाई मौका था लेने का मगर थोड़ा सा आगे ड्रॉप किया है फील्डर से, बचता हुआ एक रन। कभी कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं, मौका दे रहे हैं मगर मौके का फायदा नहीं उठा पा रहा है पार्थ सॉकर्स। सोफिया डिवाइन इस ओवर की पांचवी गेंद, राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल करता हुआ कमिनेंस को, कमिनेंस ने बॉल को खेल दिया डीप फाइन लेग की तरफ, फील्डर वहां पर ड्राइव लगाया, दो रन की मांग है मगर यहां पर सिंगल ही मिलेगा और इसी सिंगल के साथ स्कोर जो है 129 रनों तक पहुंच चुका है। जी हाँ भाई राजेश शेख जी यहाँ पर लगातार कैच छूट रहे हैं, ये भी कैच था जो कि छूटा है मगर ये थोड़ा सा डिफिकल्ट कैच था, मगर इंटरनेशनल क्रिकेट अगर आप खेल रहे हैं तो ये सब कैच आपको लेने होंगे और हाफ चांस था जो कि मिस किया है। फिर से एक बार सोफिया डिवाइन इस ओवर की आखिरी गेंद, राइट अप राउंड द विकेट बॉल करता हुआ रेड माइन को, रेड माइन ने इस बॉल को सीधे बल्ले से खेल दिया है लॉन्ग ऑन की तरफ, सिंगल मिलता हुआ और इसी सिंगल के साथ रेड माइन पहुंच चुका है 52 रनों के स्कोर पे और स्कोर हो चुका है 16 ओवर के बाद 130 रन दो विकेट के नुकसान पे। तो जिस रेड माइन की हम बात कर रहे थे कि 50 रन करेंगे वो 52 रनों के स्कोर पे खेल रही है, तो अब जाके यहाँ पर रेड माइन को एक बड़ा बड़ा शॉट लेने होंगे, कोशिश करनी होगी कि एक लंबा स्कोर यहाँ पर बना दिया जाए जो कि पार्थ सॉकर्स की नगल यहाँ पर सोच से बाहर हो। अगर पार्थ सॉकर्स यहाँ पर बेसबॉल हिट को यहाँ पर 150 के अंदर रोक पाते हैं तो यहाँ पर पार्थ सॉकर्स की उम्मीद बना रहेगा। 160 कहा था सबको, जी हाँ राहुल राज जी ने कहा था 160 प्लस बनेंगे। अब देखना होगा कि चार ओवर में कितने रन आते हैं, चार ओवर में 30 रन आ जाएंगे तो 160 तो बन जाएंगे जरूर। राजेश शेख जी हमारे साथ रोते हुए ज्वाइन हो चुके हैं मगर यहाँ पर चार ओवर अभी भी बाकी है। सोफिया डिवाइन को रिप्लेस यहाँ पर मर्जिनी कैप का चार ओवर कंप्लीट हो चुका है। नए गेंदबाज राउंड द विकेट बॉल करता हुआ रेड माइन को, बॉल को बॉलर के सर के ऊपर से खेल दिया है, सिंगल मिलेगा और इसी सिंगल के साथ स्कोर जो है धीरे धीरे बढ़ता हुआ 131 रन बन चुका है। सोफिया डिवाइन ने तीन ओवर डाले हैं, तीन ओवर में सोफिया देखिए यहां पर सात बॉलर यूज किया है पार्थ सॉकर्स मगर सफलता सिर्फ दो को मिला है, सोफिया डिवाइन को एक और सीमंता बेट्स को एक, सात बॉलर यूज हुए हैं। तो कोशिश है फिर से एक बार विकेट लेके यहां पर रन पे रोक लगाने की। हैदर ग्रहम बॉलिंग करता हुआ अपना तीसरा ओवर डालेंगी और इस ओवर की तीसरी, और यहाँ पर बहुत ही बढ़िया खेलने की कोशिश मगर रिवर्स स्वीप फंस गए हैं यहाँ पर रेड माइन नहीं यहाँ पर कमिनेंस आउट होता हुआ। तीसरा विकेट हैदर ग्रहम की एक फुल टॉस गेंद को रिवर्स स्वीप करने की कोशिश किया था और यहाँ पर पॉइंट में फील्डर मौजूद थे जो कैच लिया है कमिनेंस, 9 रनों की स्कोर पे आउट होके पेविलियन की तरफ बढ़ते हुए। तो भाई यहाँ पर तीसरा विकेट गिरा है 131 पे 3, अब देखना होगा कि विकेट आना ही इस ओवर में। जी हाँ इरशाद अली जी यहाँ पर विकेट आ चुकी है, श्याम प्रसन्न सरकार जी कह रहे हैं कि 167 रन बनेंगे, अब तो बनना मुश्किल है। अब देखना होगा कि यहाँ पर डेथ ओवर चल रही है और डेथ ओवर में बड़ा शॉट लगाने की कोशिश में यहाँ पर आउट भी हो सकते हैं जैसा कमिनेंस का विकेट गया है और नेक्स्ट बैट्समैन जो है यहाँ पर आ चुके हैं 16 ओवर दो गेंदों के बाद एनिक बोस। भाई एनिक बोस भी यहाँ पर काफ़ी सुपर ओवर में इनको बैटिंग का मौका मिला था, एनिक बोस को सुपर ओवर में उतारा गया था, तो आज भी यहाँ पर मौका है एनिक बोस के पास एक बड़ा लंबे शॉट लगाने का। हैदर ग्रहम की गेंद, पहली गेंद मिडिल स्टंप का बॉल था, खेल दिया है एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, सिंगल मिलेगा और उसी सिंगल के साथ स्कोर जो है धीरे धीरे 132 रन तीन विकेट के नुकसान पे बन चुकी है। 16 ओवर तीन गेंदों के बाद 132 रन बने हैं तीन विकेट के नुकसान पे। तो हमारे साथ जितने भी भाई जुड़े हुए हैं सभी को बोलूंगा भाई लाइक जरूर करें, लाइक का मतलब होता है सपोर्ट हमें जरूर करें और चैनल पर दबा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर से एक बार ऑफ स्टंप पे बॉल रेड माइन हाँ में खेला है डीप मिड विकेट की तरफ, इस बार कोई गलती नहीं की, फिर से एक बार गलती कैच ड्रॉप हुआ है
कैच छूटा है भाई, कैच ड्रॉप हुआ है यहाँ पर, रेड माइन का कैच था और सिंगल मिला है। गलती आसान सा कैच था और पूरी तरीके से मिसफील्ड हुई है। सिमंता बेट्स ने कैच मिस किया है ये कैच। तो चलिए देखते हैं आखिरकार, मौका तो यहाँ पर बना है बड़ा स्कोर खड़ा करने का ब्रिस्बेन हिट को, काहे कि रेड माइन को इस बार जीवन दान मिला है। सोएब सिद्दीकी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाई, थैंक यू सो मच भाई जुड़ने के लिए। इस बार ओ बैट का निचला हिस्सा लिया, बॉल यहाँ पर विकेट कीपर के पीछे से बॉल चला गया है फाइन लेग की तरफ। 3 रन तो मिलने चाहिए, अब देखना होगा कि कितने रन मिले हैं। 2 रन मिले हैं और इसी 2 रनों के साथ स्कोर जो है 135 रन बन चुके हैं 3 विकेट के नुकसान। तो भाई हमारे साथ जितने भी भाई जुड़ चुके हैं सभी को बोलूंगा लाइक जरूर करें और लाइक के साथ साथ चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राजेश शेख जी कह रहे हैं भाई यहाँ पर तो भाई स्कोर थोड़ा सा कम हुआ है और यहाँ पर फिर से एक बार बड़ा शॉट। और यहाँ पर ग्रेम की गेंद पे 2 रन लेते हुए। तो भाई बने रहिए हमारे साथ, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर दबाए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 16 ओवर 5 गेंदों के बाद 135 रन 3 विकेट के नुकसान पे इस ओवर की आखिरी गेंद। जी हाँ, इस ओवर की आखिरी गेंद ग्रेहम का और सामना करेंगे रेड माइंड। स्वीप कर दिया है बॉल को डीप स्क्वायर लेग की तरफ, 2 रन आराम से लेंगे और इसी 2 रनों के साथ 17 ओवर कंप्लीट हो चुके हैं। 17 ओवर के बाद 137 रन बने हैं 3 विकेट के नुकसान पे। क्या लगता है राजेश सिंह जी, क्या यहाँ पर और एक विकेट चाहिए होगा? लाइक जरूर करें भाई, लाइक का मतलब होता है सपोर्ट हमें जरूर करें और चैनल पर दबाए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लगातार अच्छी गेंदबाजी चल रही है यहाँ पर, 17 ओवर 2 गेंद हो चुके हैं, 138 रन बने हैं 3 विकेट के नुकसान पे। 167 देखते हैं भाई 167 बनेंगे कि नहीं, अब तो यहाँ पर देखना होगा। अनिक बोस है स्ट्राइक पे और सामना करेंगे एनलिना किंग की गेंदबाजी का। एनलिना किंग अपना आखिरी ओवर डाल रही हैं और अभी तक इनको कोई सफलता नहीं मिला है। जी हाँ, राहुल राज जी कह रहे हैं 160 प्लस और इस बार आगे निकल के आए हैं स्टैंप आउट। जी हाँ, यहाँ पर अलीना किंग को विकेट मिलता हुआ, स्टैंप आउट होता हुआ अनिक बोस। और इसी के साथ 4th विकेट 17 ओवर 3 गेंदों के बाद 138 पे 4 हो चुके हैं भाई। अब देखना होगा कि यहाँ पर बड़ा विकेट गया है और स्कोर यहाँ पर से 150-160 तक अगर बन जाता है तो तब भी यहाँ पर ब्रिस्बेन हिट को मौका है, बड़ा स्कोर करने का मौका था। मगर आज लगातार विकेट गिरने के बाद लगता है कि यहाँ पर स्कोर जो है 150-155 के बीच ही बनेंगे। आपको क्या लगता है भाई? हमारा कपाल खराब भाई राजेश शेख जी, आपका कपाल खराब नहीं है। मुझे लगता है कि अभी भी 5 सॉकर्स के पास मौका है क्योंकि चेज करते हुए 5 सॉकर्स ने ज़्यादातर मैच जीती है। आपको बता दें यहाँ पर हेड टू हेड की, इन दोनों के बीच हेड टू हेड की, थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे, मैं इन दोनों के बीच हेड टू हेड की बात करें। पांच सॉकर्स ओमेन एंड ब्रिस्बेन हिट, इन दोनों के बीच कुल 14 मैच खेल चुके हैं। 14 मैच में 6 बार 5 सॉकर्स ने जीत हासिल की है और पिछली बार तो सुपर ओवर में जीत हासिल किया था और सेकेंड बैटिंग करती हुई 5 सॉकर्स ने 3 बार जीत हासिल की है। पहले बैटिंग करती हुई ब्रिस्बेन हिट ने 8 मैच जीते हैं। ब्रिस्बेन हिट और 5 सॉकर्स के बीच जो मैच हुए हैं टोटल 14 मैचों में 8 बार ब्रिस्बेन हिट जीते हैं और 8 बार ही सेकेंड बैटिंग करते हुए जीती है। तो इस बार देखना होगा कि पहले बैटिंग करते हुए क्या ब्रिस्बेन हिट जीत पाती है। आज मौका है 5 सॉकर्स को और 5 सॉकर्स ने 3 बार जो है सेकेंड बैटिंग चेज रन को चेज करते हुए ब्रिस्बेन हिट के खिलाफ जीता है मैच। एलिना किंग फिर से एक बार बॉलिंग करता हुआ, यहाँ पर लेग स्टंप पे बॉल था, बॉल को खेल दिया है डीप मिड विकेट की तरफ, सिंगल लेता हुआ और इसी सिंगल के साथ स्कोर जो है 140 तक पहुंच चुका है 18 ओवर के बाद 4 विकेट के नुकसान पे ब्रिस्बेन हिट का। तो ब्रिस्बेन हिट का अभी भी यहाँ पर मौका बन चुका है 140 रन, 2 ओवर में कम से कम 20 रन अगर पकड़े तो 160,
मुझे लगता है कि यहाँ पर राहुल राज जी जो कह रहे थे कि 160 बहुत पहले कहते हैं इन्होंने, और उनका थोड़ा सा प्रेडिक्शन जो है यहाँ पर सही साबित होता हुआ। तो भाई जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया भाई सभी को बोलूंगा भाई लाइक करो, और चैनल पर तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बेहतरीन मैच यहाँ पर होता हुआ, आप लोग कितनी जल्दी यहाँ पर हमें लाइक करके हमें 50 लाइक तक पहुँचाते हैं, देखते हैं भाई। बहुत सारे भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं मगर यहाँ पर सिर्फ 29 लाइक आ चुके हैं और सिर्फ एक लाइक दूर है 30 लाइक से। रेड माइन ने बॉल को स्वीप कर दिया है और बॉल चला गया है फाइन लेग की तरफ, सिंगल लेता हुआ। 19वें ओवर की स्टार्ट हो चुका है और 19 के ओवर की स्टार्ट किया है सीमांता बेट्स ने, और आते ही सिंगल लिया है यहाँ पर निकोला कैरी, यहाँ पर रेड माइन ने सिंगल लिया है। इस बार निकोला यहाँ पर हेंकली आए हैं भाई, मकाइला हिंकले, मकाइला हिंकले आए हैं बैटिंग करने के लिए। 157 टोटल, देखते हैं भाई पहली गेंद, और यहाँ पर इस ओवर की दूसरी गेंद थी डॉट बॉल, कोई रन नहीं डॉट बॉल होता हुआ। थैंक यू सो मच भाई लाइक करके सपोर्ट करने के लिए। देखिए भाई ने यहाँ पर लाइक करके 30 लाइक तक पहुँचा दिया है, थैंक यू सो मच भाई लाइक करके हमें 30 लाइक तक पहुँचाने के लिए। हेंकले सामना करेंगे इस बार हैदर जॉर्ज ग्रेहम का, गेंद का मिडिल स्टंप का बॉल ड्राइव कर दिया मिड ऑफ के पास, कोई रन नहीं। थैंक यू सो मच भाई लाइक करके सपोर्ट करने के लिए राजेश शेख जी। यहाँ पर अभी भी मौका है कि अगर 160 के अंदर ही यहाँ पर रोक लेते हैं तो यहाँ पर पास सॉकर्स के पास बैटिंग अच्छा है, और इस बार थोड़ा सा स्टेप आउट करके बॉल को खेला था डीप मिड विकेट की तरफ, वन बाउंस फील्डर के पास दो रन आराम से कंप्लीट करता हुआ, और इसी दो रनों के साथ स्कोर जो है 143 रनों तक पहुंच चुका है 4 विकेट के नुकसान पे। हिंकले अपने दो रनों से यह अपना खाता खोला है। अब देखना होगा कि इस स्कोर को ब्रिस्बेन हीट जो एक अच्छा शुरुआत दिया था बिना विकेट खोए 68 रन बना लिए थे, 68 में पहला विकेट गिरा था, इस बार हवा में खेल दिया है। ग्रेहम की गेंद थी हवा में खेला और यहाँ पर बहुत ही बढ़िया कैच लिया है, विकेट गिरता हुआ फिर से एक बार 5वां विकेट गिरता हुआ। हिंकले जिन्होंने एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश किया था और टाइमिंग सही से नहीं हुआ, शॉट उतनी अच्छी तरीके से बल्ले पे नहीं आई और यहाँ पर 5वां विकेट गिरता हुआ हिंकले हैदर ग्रेहम की गेंद पे आउट होता हुआ, और इसी के साथ 5वां विकेट। चलिए 18 ओवर 5 गेंदों के बाद 143 रन 5 विकेट के नुकसान पे बन चुका है। बने रहिए भाई हमारे साथ, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर दबा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेहतरीन मैच होता हुआ, जब भी हम ब्रिस्बेन हीट और पार्थ सॉकर्स की मैच देखते हैं उसको मुझे पिछला मैच का याद आ जाता है, क्योंकि जिस तरीके से उनमें सुपर 137 रन को डिफेंड किया था पार्थ सॉकर्स ने, और यहाँ पर देखना होगा कि आज उतनी अच्छी तरीके से चेस कर पाती है कि नहीं। इस बार मिडिल स्टंप का बॉल पैड पे लगा, कोई रन नहीं डॉट बॉल होता हुआ। ओवर की समाप्ति 19वें ओवर की समाप्ति पर स्कोर हो चुका है 143 रन 5 विकेट के नुकसान पे। चमेरी अत्तापत्तू ने कैच लिया था भाई हिंकले का। तो भाई थैंक यू सो मच भाई लाइक करके सपोर्ट करने के लिए। अभी भी यहां पर मौका है 150 के अंदर 150 के अंदर रोकने का, क्योंकि 6 गेंदों पे 7 रनों की जरूरत है ब्रिस्बेन हीट को 50 तक पहुंचने के लिए। अगर यहां पर 150 के अंदर रोक देते हैं ब्रिस्बेन हीट को तो एक मनोवैज्ञानिक जो है यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रांग पोजीशन में रहेगा पार्थ सॉकर्स। तो भाई हमारे साथ बने रहिए, लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेहतरीन मैच होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। तो जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया भाई, आज जो है पार्थ सॉकर्स वोमेन ने टॉस जीता है, पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया मगर गेंदबाजी में पूरी तरीके से वो दबाव नहीं बना पाए पहली सेशन में। अगर 14 ओवर तक तो मतलब देखा ना कि जिस तरीके से रन बन रहे थे उसके बाद से थोड़े से रन की गति में जो है कमी आई है। संदीप कुमार जी 151 से 157, चलिए देखते हैं यहाँ पर एक रन लिया है और इसी एक रन के साथ स्कोर जो है 144 रन। सोफिया डिवाइन खुद आई हैं बॉलिंग करने के लिए, अपना दो रन ले चुके हैं, दो रन नहीं भाई यहाँ पर, जी हाँ यहाँ पर दो रन ले चुके हैं, 145 रन बने हैं। सोफिया डिवाइन यहाँ पर सिंगल मिला है भाई, रेड माइन है स्ट्राइक पे, फुल टॉस बॉल हाँ में खेल दिया है, वन बाउंस 4 रनों के लिए।
कमाल का शॉट यहां पर रेड माइन ही क्या। आज जिस तरीके से पहला मैच में यहां पर रिचेल प्रिस्ट ने खेला था 107 रनों का पारी, उसी तरीके से बेसबर्न हिट के लिए आज रेड माइन 52 गेंदों पे 59 रनों की स्कोर पे। इस ओवर की तीसरी गेंद, इस बार मिडिल स्टंप का बॉल, गुड लेंथ की बॉल थी, क्विकर डिलीवरी था, बैट का किनारा लिया, बॉल चला गया थर्ड मैन की तरफ, फिर से एक चौका भाई, और इसी चौके के साथ स्कोर जो है 153 रनों तक पहुंच चुका है। अभी भी तीन गेंदे बाकी है, तो चलिए देखते हैं, बने रहिए भाई, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर दबाए चैनल को सब्सक्राइब। फिर से एक बार रेड माइन ने खेल दिया है हवा में और यहां पर फिर से चौका भाई, क्या कमाल का ओवर रह रहा है यह पर रेड माइन का, लगातार ये तीसरा चौका, और इसी चौके के बावजूद यहां पर रेड माइन ने जैसे जॉनसन ने चौका लगाया है, जॉनसन जो कि लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है उन्होंने चौका लगाया है लगातार, और इसी चौके की मदद से 19 ओवर 4 गेंदों के बाद 157 रन बन चुके हैं 5 विकेट के नुकसान पे। जेस जॉनसन 4 गेंदों पे 14 रनों की स्कोर पे, फिर से एक बार, और इस बार कट कर दिया है, बॉल चला गया थर्ड मैन की तरफ 4 रनों के लिए भाई, क्या आखिरी के 4 गेंदे किया है यहां पर जेस जॉनसन ने, कमाल की बल्लेबाजी जेस जॉनसन का आखिरी के ओवर में, और इसी चौके की लगातार इसी चौके की मदद से स्कोर जो है 19 ओवर 5 गेंदों के बाद 161 रन, क्या कमाल का यहां पर रन बनता हुआ। इरशाद अली एक विकेट जाएगा और भाई आखिरी बॉल है, अब देखना होगा जेस जॉनसन कमाल की पारी खेलता हुआ। तो भाई बने रहिए हमारे साथ, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर दबाए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जेस जॉनसन आखिरी बॉल सोफिया डिवाइन का सामना करेंगे। जेस जॉनसन 5 गेंदों पर 18 रन बनाए हैं, कमाल का यहां पर मैच चलता हुआ। बने रहिए हमारे साथ, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर दबाए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और यहां पर एक ही रन मिलेगा और इसी एक रन के साथ स्कोर जो है 162 रन 5 विकेट के नुकसान पे। आखिरकार ब्रेसबर्न हिट ने 160 की गंडी जो है वो पार कर लिया है, 162 रन बनाए हैं। अब 5 सॉकर्स के पास उम्मीद तो है मगर टारगेट बहुत कठिन हो चुका है 5 सॉकर्स के लिए, 163 रनों का टारगेट है। अब 163 रन 5 सॉकर्स कैसे बना पाते हैं देखना होगा। थोड़ा सा स्कोर कार्ड की बात कर लेता हूं मैं, स्कोर कार्ड की अगर बात करूं तो यहां पर आपके सामने स्कोर कार्ड, पहले ग्रीस हैरिस जिन्होंने 34 रन की स्कोर बनाए थे, और उन्होंने आप आज बात करेंगे जॉर्जिया रेड माइन की, 59 रनों का एक जबरदस्त इनिंग्स खेला है 6 चौके की मदद से, और लगातार यहां पर नॉट आउट रहे, ओपनिंग करने आई सलामी बल्लेबाज थी और आखिर तक रही, मतलब पूरे 20 ओवर इन्होंने बैटिंग किया है और 20 ओवर में यहां पर 5 सॉकर्स या ब्रिस्बेन हीट ने 162 रन बनाए हैं 5 विकेट के नुकसान पर। टारगेट 5 सॉकर्स के लिए बहुत कठिन है, अब देखना होगा कि यहां पर बल्लेबाजी कैसे करते हैं 5 सॉकर्स की बैट्समैन। तो भाई हमारे साथ जितने भी बोलो बसर जी, राहुल जी, संदीप कुमार, राहुल राज जी एकदम सही प्रेडिक्ट किया था भाई, एकदम सही में राहुल राज जी बहुत पहले कह दिया था कि 160 प्लस बनेंगे, वो प्लस भी कहा था, वो प्लस 2 रन है। तो भाई यहाँ पर बहुत ही सही प्रेडिक्शन करता हुआ राहुल राज जी, थैंक यू सो मच भाई हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। नेक्स्ट इनिंग्स 10 मिनट बाद स्टार्ट होगा, उस 10 मिनट बाद फिर से आपसे एक बार ज्वाइन होता हूँ, तब तक के लिए भाई बने रहिएगा, लाइक जरूर करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
थोड़ी ही देर में मैच स्टार्ट होने वाला है भाई। पार्ट सॉकर सोमेंस के पास टारगेट बहुत बड़ा है, 163 रन बनाने होंगे 20 ओवर में, 120 गेंदों पे 163 रन, तो टारगेट बहुत बड़ा है। अब देखना होगा इस टारगेट को अचीव करने के लिए पार्ट सॉकर्स जो है कैसे बल्लेबाजी करते हैं। पार्ट सॉकर्स की अगर टीम की बात करें तो पार्ट सॉकर्स की तरफ से बेत मुनी एक जबरदस्त ओपनिंग बैट्समैन है और साथ में सोफिया डिवाइन जो कि कप्तान, ये दोनों शायद ओपनिंग सलामी बल्लेबाजी करने आएंगे। उसके बाद चमारी अत्तापत्तू यहाँ पर आ सकते हैं बैटिंग करने के लिए। मार्जिनी कैप भी ऊपर की क्रम में बैटिंग कर सकते हैं, टॉप ऑर्डर में आ सकती है बैटिंग करने के लिए। तो अब देखना होगा कि यहाँ पर जो है बल्लेबाजी करने कौन आते हैं। थोड़ी ही देर में मैच स्टार्ट होगा। राजेश शेख जी हमारे साथ बने रहिए, और टारगेट बहुत ही उच्च बड़ा टारगेट है। अब देखना होगा कि पार्ट सॉकर्स के पास भी बल्लेबाज काफ़ी अच्छी है, और जिस अंदाज से यहाँ पर पहले हाफ में ब्रिस्बेन हीट ने बैटिंग किया है कोई भी दिक्कत नहीं आ रही थी, और अब देखना होगा कि इस पिच पे जो बल्लेबाजी करेंगी पार्ट सॉकर्स की दोनों सलामी बल्लेबाज, और दोनों के पास बहुत सारी अनुभव है बैटिंग करने का, और दोनों ने अब तक बहुत अच्छी पारियां खेली है। अब देखना होगा यहाँ पर कैसे बैटिंग करती है। बात करते हैं टीम की, तो यहाँ पर पार्ट सॉकर सोमेंस के पास सोफिया डिवाइन जैसी बहुत ही अनुभवी बैट्समैन है, साथ में सिमंता बेट्स सलामी बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं और सलामी बल्लेबाजी ही करते हैं। पार्ट सॉकर्स ओमन, तो भाई हमारे साथ बने रहिए, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चमारी अत्तापत्तू की अगर बात करें तो जो फास्ट डाउन पे आने वाले हैं चमारी अत्तापत्तू, चमारी अत्तापत्तू ने यहाँ पर जबरदस्त पारियां खेली है T20 चैलेंज में, तो उनसे भी उम्मीद है कि यहाँ पर एक अच्छी लगातार अच्छी फॉर्म में है, मतलब इनका एवरेज जो है काफ़ी अच्छा है भाई। यहाँ पर बैटिंग में इनका एवरेज है 27.26 का एवरेज है, काफ़ी बेहतरीन एवरेज है यहाँ पर। तो भाई हमारे साथ WBBL में इनका जो बल्ला है यहाँ पर नहीं चला है, 14 रन बना पाए थे पिछली मैच में, तो आज देखना होगा कि यहाँ पर कैसे बैटिंग करते हैं। थोड़ी ही देर में मैच स्टार्ट होने वाला है और मैच का लाइव एक्शन आपके साथ हम साझा करेंगे, मगर उससे पहले आपको बता दें कि यहाँ पर आपको लाइक करना है, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। जो भाई यहाँ पर जितनी जल्दी है सब्सक्राइब करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। प्लेयर्स मैदान में अंदर की तरफ आते हुए, जी हाँ दोनों टीमों की प्लेयर्स मैदान पे आ चुके हैं, बॉलिंग करने आई है यहाँ पर। देखना होगा कि कौन आए हैं भाई बॉलिंग डालने के लिए, तो भाई बने रहिए हमारे साथ, लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब बेहतरीन मैच होता हुआ यहाँ पर, भाई प्लेयर्स मैदान पे आ रही हैं, और यहाँ पर थैंक यू सो मच भाई लाइक करके सपोर्ट करने के लिए। पहली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल डालता हुआ, लेग स्टंप से बाहर बॉल, पहली गेंद वाइड डाली है और इसी वाइड के साथ एक रन अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ। बेत मुनी एंड सोफिया डिवाइन है यहाँ पर, सोफिया डिवाइन है स्ट्राइक पे, दाहिने हाथ के खिलाड़ी है सोफिया डिवाइन और काफी कमाल के बल्लेबाज है। निकोला हैंकॉक फिर से बार बॉलिंग के लिए तैयार, पहली गेंद वाइड डाली है, तो बिना बॉल किए हुए एक रन पास सॉकर्स की स्कोर बोर्ड पे आता हुआ। निकोला हैंकॉक फिर से बार बॉलिंग करने के लिए तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल डालता हुआ, सोफिया डिवाइन को लेग स्टंप पे बॉल था, बॉल को खेल दिया था हवा में, बॉल चला गया डीप फाइन लेग की तरफ, सिंगल लेता हुआ। भाई स्कोर बहुत ही बड़ा है, 162 रन अभी भी बनाने होंगे, 161 रन बनाने होंगे 119 गेंदों पे। अब देखना होगा इस रन को कैसे चेस करती है बेत मुनी सलामी बल्लेबाज, और बेत मुनी भी एक यहाँ पर एक अच्छी बैटिंग करेंगे। बाएं हाथ के खिलाड़ी है बेत मुनी, और पिछली मैच में भी इन्होंने काफ़ी कमाल का बैटिंग करते हुए 40 रन बनाए थे ब्रिस्बेन हीट के खिलाफ।
तो ब्रिस्बेन हीट के खिलाफ इनका बल्ला बोलते रहते हैं। और दो जो इंडिया टी20 लीग खेला गया था उसमें 61 और 34 रनों का पारी था। तो वेद मुनि जो है फॉर्म में है, तो यहाँ पर हम उम्मीद कर सकते हैं कि पार्थ सॉकर्स जो है इस मैच में अच्छी खासी चेज करती हुई नजर आएगी। तो चलिए देखते हैं भाई, बने रहिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। है निकोला हैनकॉक बॉलिंग करता हुआ, इस बार राउंड द विकेट, बाएं हाथ के खिलाड़ी को राउंड द विकेट, नेक्स्ट टाइम से बाहर बॉल, वाइड बॉल एंड चार रन, वाइड बॉल और मिसफील्ड हुई है विकेट कीपर से, चार रन मिल गए, बाय चार रन टोटल 5 रन आए भाई। सिर्फ एक गेंद हुए हैं और यहां पर स्कोर बोर्ड पे 5 सॉकर्स के 7 रन भैया, इससे कि रन किसी भी तरीके से आने चाहिए और टारगेट बहुत बड़ा है तो किसी भी तरीके से रन आने चाहिए। 5 सॉकर्स को अभी भी 156 रनों की जरूरत है 119 गेंदों पे। तो भाई हमारे साथ जितने भी भाई बने हुए हैं सभी को बोलूंगा भाई 5 सॉकर्स की स्टार्टिंग तो बहुत ही बढ़िया हुआ है, एक गेंदों पे 7 रन। फिर से एक बार निकोला हैनकॉक बॉलिंग करता हुआ, वेद मुनि को बाएं हाथ के खिलाड़ी को राउंड द विकेट बॉल करता हुआ, स्टंप पे बाहर की तरफ गई और यहां पर पहला विकेट वेद मुनि भाई, पहला विकेट निकाल लिया है। यहां पर खराब शॉट और कवर में फील्डर मौजूद थे 30 गज के दायरे के अंदर, पहला विकेट गिरता हुआ, दूसरे ही गेंद पे यहां पर विकेट निकाल लिया है वेद मुनि जैसी दिग्गज बल्लेबाज का। तो भाई यहाँ पर दो गेंदों पे 7 रन एक विकेट के नुकसान पे यहाँ पर दबाव बढ़ता हुआ पार्थ सॉकर सोमन्स के लिए। तो भाई बने रहिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर दबा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वेद मुनि की बात कर रहे थे और लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, इनका रहना बहुत जरूरत था पार्थ सॉकर्स के लिए, मगर ये आउट हो चुकी है निकोला हैनकॉक की दूसरे ही गेंद पे। अब देखना होगा कि नए बल्लेबाज कौन आते हैं, नए बल्लेबाज मुझे लगता है अत्ता पत्तू आएंगे, चमारी अत्ता पत्तू या कोई और। शॉर्ट बॉल था और कवर की दिशा में खेला था, खराब शॉट सिलेक्शन यहां पर कहूंगा वेद मुनि का, ऊपर से निकाल कवर के ऊपर से निकालने की कोशिश थी मगर फंस गए यहां पर। फिर से एक बार निकोला हैनकॉक बॉलिंग करता हुआ, राइट आर्म राउंड द विकेट बॉल डालता हुआ, अत्ता पत्तू आए हैं बॉलिंग बैटिंग करने के लिए और एक रन लेता हुआ पॉइंट यहाँ पर थर्ड मैन की तरफ खेल के सिंगल लिया है और इसी सिंगल के साथ स्कोर जो है 8 रनों तक पहुंच चुका है 3 गेंदों के बाद। वेद मुनि का कैच लिया था अनिक बोस ने, जी हाँ अनिक बोस ने यहाँ पर कैच लिया था वेद मुनि का। तो भाई बने रहिए हमारे साथ, लाइक जरूर कीजिए, 3 गेंदों पे 8 रन बने हैं एक विकेट के नुकसान पे, बहुत बड़ा विकेट, वेद मुनि का आउट हो चुके हैं। फिर से एक बार सोफिया डिवाइन, इस बार सोफिया डिवाइन है स्ट्राइक पे, सामना करेंगे निकोला हैनकॉक की गेंद का, इस बार ओवर द विकेट बॉल करता हुआ निकोला हैनकॉक, फुल लेंथ बॉल, बॉल अच्छी बाउंसर के साथ सीधा विकेट कीपर के पास गई है, कोई रन नहीं बनेंगे, डॉट बॉल होता हुआ, 4 गेंद हो चुके हैं 8 रन एक विकेट के नुकसान पे। अभी भी यहाँ पर पार्थ सॉकर्स को 116 गेंदों पे 155 रनों की जरूरत है। तो भाई हमारे साथ जितने भी भाई जुड़े हुए हैं सभी को बोलूंगा लाइक जरूर करें, लाइक का मतलब होता है सपोर्ट, सपोर्ट जरूर करें और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई सब्सक्राइब जरूर कर ले, काहे कि यहाँ पर WBBL का हर एक मैच इसी चैनल पे आएंगे। फिर से एक बार बॉलिंग करता हुआ हैनकॉक, पहला ओवर की इस ओवर की 5वीं गेंद, लेग स्टंप पे बॉल था, बॉल को खेल दिया है डीप फाइन लेग की तरफ, विकेट कीपर दौड़ के बॉल को फील्ड करेंगे और यहाँ पर सिंगल लेता हुआ सोफिया डिवाइन, लेग बाय का इशारा शायद अंपायर का और यहाँ पर एक रन के साथ स्कोर जो है 9 रनों तक पहुंच चुका है। निकोला हैनकॉक ने एक अच्छी ब्रेक थ्रू दिलाई है सोफिया यहाँ पर वेद मुनि जैसी बड़ी दिग्गज बैट्समैन को आउट करके। अत्ता पत्तू जो कि बाएं हाथ के खिलाड़ी है, बाएं हाथ के खिलाड़ी को इस बार दाहिने हाथ से ओवर द विकेट राउंड द विकेट बॉल करता हुआ निकोला हैनकॉक, काफी अच्छी गेंदबाज है, इस बार मिडिल स्टंप का बॉल अच्छी उछाल के साथ है, बॉल को खेल दिया है यहाँ पर थर्ड मैन की तरफ सिंगल लेता हुआ और इसी सिंगल के साथ थैंक यू सो मच भाई लाइक करके सपोर्ट करने के लिए, इसी तरह लाइक करो सपोर्ट करो। पहली ओवर के बाद 10 रन एक विकेट के नुकसान पे 5 सॉकर्स का, शुरुआत थोड़ी सी खराब पहली ओवर में, पहला विकेट वो भी वेद मुनि जैसा विकेट आउट हो जाने का मतलब है शुरुआत बहुत ही खराब हुआ है 5 सॉकर्स का, टारगेट 163 रनों का, अभी भी 114 गेंदों पर यहाँ पर 153 रनों की जरूरत है। सोफिया डिवाइन एंड अत्ता पत्तू ये दोनों ही मैदान पर है, अब देखना होगा इस रन को चेस करते हुए इन दोनों के बीच कितने रनों के पार्टनरशिप बनती है, ये एक अच्छी पार्टनरशिप की जरूरत है अगर अच्छी रन यहाँ पर बनाना होगा तो। तो भाई और दो लाइक दूर हैं यहाँ पर 35 लाइक से,
तो जल्दी से जल्दी भाई 35 लाइक कर दो और यहाँ पर चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। काफी अच्छी गेंदबाजी चल रही है यहाँ पर और फिर से बार बॉलिंग देखना पड़ेगा किसको बॉलिंग दिया गया है। दूसरी छोर से भी मीडियम फास्ट बॉलर को अटैक पे लगाया गया है। राइट आर्म राउंडर विकेट बॉल करता हुआ आता पत्तू को इस बार ऑफ स्टंप के तरफ बाहर की तरफ निकली सीधा विकेट कीपर के पास, कोई रन नहीं, डॉट बॉल होता हुआ। तो काफी अच्छी गेंदबाजी चल रही है यहाँ पर। नए बॉलर आए हैं, नए बॉलर का नाम है यहाँ पर आपको बता दें निकोला हैनकॉक को रिप्लेस करके यहाँ पर नए बॉलर किसको दिया गया है। इस ओवर की दूसरी गेंद सामना करेंगे अत्तापत्तु चबारी। अत्तापत्तु जोरदार अपील, पैड पे लगी थी बॉल, मिडिल स्टंप का बॉल था, पैड पे लगा था, बैट पे लग के यहाँ पर पैड पे लगा था तो कोई रन नहीं बने हैं, डॉट बॉल होता हुआ। जोरदार अपील किया था, फायदा नहीं हुआ है। तो भाई हमारे साथ बने रहिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेहतरीन मैच होता हुआ, थैंक यू सो मच भाई, पार्थ सॉकर जीतेगा। चलिए यार के तुहिन जी एक पॉजिटिव मैन दिखाई दिया है आज इस मैच में जो कि कह रहा है कि पार्थ सॉकर सोबन जीतेगा। तो हम उम्मीद करेंगे इस ओवर की तीसरी गेंद अत्तापत्तु थोड़ी सी अच्छी बाउंसर बॉल सीधा विकेट कीपर के पास, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का, वाइड बॉल दिया है।